जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय भरत भरत अनुजम
सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। दयालु कृपालु करुणा मूर्ति सीताराम लक्ष्मण हनुमान की अपार कृपा से गुरुजनों की आशीर्वाद से महेश्वरी समाज ईश्वरपुर के इस वाड़ी में आज तीसरे दिन की वाल्मीकि रामकथा में आप सब भाग्यशाली भक्त आए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। सुनने वालों का बड़ा महत्व है, सुनने वाले श्रोता हैं और श्रवण भक्ति का पहला अंग है। सुनने से ही सब सफलता शुरू होती है। कथा सुनने से तीन पवित्र होते हैं, सुनने वाला सुनाने वाला और आयोजन करने वाला बंदोबस्त करने वाला, तीनों पवित्र होते हैं। सो इस कथा का आयोजन अपने ही मिठी के समाज के महेश्वरियों के अखानी परिवार से श्री बालकृष्ण जी के सुपुत्र तुलजाराम और रेवती देवी की स्मृति में उनके सुपुत्र हरीश और अर्जुन जी और यहाँ अशोक अनिल नारायण और पुरुषोत्तम और अशोक जी के सुपुत्र अनिल और अमित और उनके अभिभावकों का और घर की सारी देवियाँ जो हैं उन सब का सहयोग। गत वर्ष श्रीमद् भागवत जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है उसका साथ दिन तक श्रवण किया और कराया था और हमको भी उसके वर्णन करने का सेवा प्राप्त हुआ था। और इस वर्ष नव साल के आगमन में नया साल सबके लिए सुखमय हो, शांतिमय हो, इस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की कथा वाल्मीकि जी आदि कवि के द्वारा जो रामायण में वर्णित है उसका नव दिवसीय ये पारायण रखा है। इस परिवार के लिए भी भगवान के चरणों में प्रार्थना है, श्री रामचंद्र के सीता रामचंद्र के मर्यादा में सुख शांति के साथ प्रगति करें, उन्नति करें और भक्ति में अपने जीवन को भरपूर करें। कल हमने बालकांड की कथा में चार कुमारों का वशिष्ठ जी के द्वारा शिक्षण परीक्षण हो गया और चार कुमार जब घर में आए तो विवाह का विचार महाराज दशरथ रानिया कर ही रही थी तो महर्षि विश्वामित्र आए। उनके स्वागत के उपरांत उन्होंने राम जी को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा।
दशरथ जी को वशिष्ठ जी के कहने के उपरांत राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र जी के साथ सिद्ध आश्रम में आए जहाँ विश्वामित्र का यज्ञ हो रहा था। इस रास्ते में राम जी ने पहले ताटका का वध किया, फिर मारीच को 100 योजन दूर फेंका और सुबाहु का वध किया। विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न हुआ। विश्वामित्र ने रास्ते में राम जी को विद्या भी दी और अस्त्र शस्त्र भी दिव्य दिए। अब उनके जीवन में मिठास भरने के लिए जनकपुर में उनको धनुष यज्ञ के लिए अपने शिष्यों के साथ लाए, जहाँ महाराज जनक की दरबार में भगवान शंकर का धनुष जो देवताओं के द्वारा देवव्रत के माध्यम से स्कूल में 20 पीढ़ियों से पूजित था, उसके ऊपर रामचंद्र ने प्रत्यंजा चढ़ाई, धनुष का भंग हो गया और सीता की वरमाला रामचंद्र जी को अर्पित हुई और ये संदेश अयोध्या भेजा गया। अयोध्या से बारात जनकपुर में आई और यहाँ विश्वामित्र के महाराज दशरथ और महाराज जनक को और उस महाराज जनक जिसका नाम सीता माता के जो पिता है महाराज जनक उसका नाम क्षीर ध्वज है, उनके भाई कुश ध्वज उसकी भी 2 कन्याएं थी और महाराज जनक की भी 2 कन्याएं सीता के साथ उर्मिला भी थी। तो विश्वामित्र ने सुझाव दिया कि निमि का वंश और इक्ष्वाकु के वंश का मिलन हो रहा है, इसके और कोई तुलना में इसके वंश है नहीं, उसकी बराबरी का नहीं है। तो चारों राजकुमारों को चारों राजकुमारियों के साथ विवाह मंडप में बिठाने का सुझाव दिया विश्वामित्र ने। महाराज जनक और उसके भाई ने तो प्रेम उसको स्वीकार किया और ये मंगलमय विवाह का कार्यक्रम हमने संपन्न किया था। यहाँ तक की कथा हमने कल श्रवण की थी और विश्वामित्र जैसे ही वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्वामित्र दूसरे दिन विवाह हो गया तो विदा लिया कि हम अभी अपने आश्रम जाते हैं। तुलसीदास के विचार से विश्वामित्र जी दशरथ और इस बारात के साथ अयोध्या गए हैं और राम जी रोज रोकते हैं और बहुत समय अधिक रुके, तो जो भी हो विश्वामित्र जी विदा लेके जाने लगे और तब महाराज दशरथ ने प्रार्थना की कि अब राजकाज के लिए महाराज जनक अनुमति दीजिए तो भारत वापस जाए। और उस समय विदाई का जो समारोह हो रहा था उसमें जो महाराज जनक ने हाथी घोड़े रथ सेवकाएं जैसे दिया जाता है राजकुमारियों को वो सीता के साथ दिया। और बहुत भावपूर्वक ये जब विदाई हो रही है तो सुनैना ने अपनी पुत्री सीता को नारी धर्म का उपदेश दिया है। जनक जी ने भी पुत्र के समान चारों राजकुमारों को आशीर्वाद दिया है और ये बारात जनकपुर से अयोध्या के लिए रवानी हुई है। वाल्मीकि रामायण में रास्ते में आंधी तूफान जैसा भयानक एक मौसम में बदलाव आ गया और कुछ हिरण सीधे हाथ की तरफ से जाने लगे
तो महाराज दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा कि महाराज इसका ये क्या सोगन है, इसका क्या अर्थ है। महाराज ने कहा ये, वशिष्ठ ने कहा कोई संकट उपस्थित होने वाला है, परंतु ये हिरण जो जा रहे हैं इस तरफ, इसका अर्थ ये है कि संकट मिट भी जाएगा। और तूफान इतना वेग से आया था, कुछ तो सेवक और मूर्छित होकर गिर भी पड़े। इतनी देर में सामने से विकराल रूप में परसा हाथ में लिया हुआ, धनुष्मान दूसरे हाथ में लिया हुआ, जटाएं बड़ी हुई, परशुराम जी वहां आके उपस्थित होते। रामचरितमानस में प्रायः हमने सदा ये सुना है कि सीता के स्वयंवर में कोई राजा जब धनुष को उठा भी नहीं पाया तो महाराज जनक ने दुख से ये घोषणा की कि लगता है कि पृथ्वी क्षत्रियों से शून्य हो गई है और मेरी पुत्री को अब कुंवारा रहना पड़ेगा। तब लक्ष्मण जी ने उठ के कहा कि आप क्षत्रियों के लिए ऐसे नहीं कह सकते हैं, भ्राता रामचंद्र इस धनुष को क्या उठाना क्या, पृतंजा भी चढ़ा सकते हैं, ये तुलसी रामायण में है। और जैसे ही धनुष उठाया और टूटा तो वहां परशुराम जी का आना तुलसीदास ने लिखा है, और वहां लक्ष्मण ने भी परशुराम जी से जो वार्तालाप किया है वो भी उधर वर्णित है, प्राय सबने सुना हुआ है। परंतु वहां ये नहीं है जो अब हम वाल्मीकि रामायण में सुनने जा रहे हैं। परशुराम जी ने आए सामने तो वशिष्ठ आदि ऋषियों ने उसको प्रणाम किया, महाराज दशरथ ने प्रणाम किया, सबने प्रणाम किया, उसने किसी की ओर नहीं देखा, सीधा रामचंद्र को कहा आपने शंकर जी के धनुष का भंजन किया है तो ये मेरे पास विष्णु का धनुष है, लो इसके ऊपर प्रत्युंजा चढ़ाओ और फिर मेरे साथ द्वंद युद्ध करो। तो दशरथ महाराज ने हाथ जोड़ के कहा महाराज ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपने तो अपना क्रोध क्षत्रियों के ऊपर उतार दिया, 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय शून्य कर दिया, अब आप ये मेरा छोटा बालक है रामचंद्र ये कैसे आपसे युद्ध करेगा, अब क्षमा कीजिए। दशरथ की बात सुनी भी नहीं परशुराम, देखा भी नहीं उस तरफ, और पुनः रामचंद्र को कहा धनुष लीजिए मेरे से। कुछ रामायणों में ऐसा वर्णन है, आनंद रामायण है, आध्यात्मिक रामायण है, कि रावण ने शंकर के धनुष टूटने का समाचार परशुराम को दिया, क्योंकि परशुराम जाएंगे रामचंद्र को मार देंगे तो कंटक मेरा समाप्त हो जाएगा। आपको पहले दिन ये बताया था कि रावण ने ज्योतिष से देखा था कौशल्या और दशरथ का पुत्र मेरा काल, जैसे देवकी का आठवां पुत्र कंस का काल, ऐसे दशरथ और कौशल का आठवां जो पहला पुत्र ये रावण का काल था। तो इसलिए ऐसे भी भवभूति आदि ने लिखा है रामायण में कि जन्म लेते ही कौशल्या को और दशरथ को पेटी में डाल के रावण ने पानी में बहा दिया था कि डूब जाएंगे, लेकिन भगवान की अपनी इच्छा थी, दोनों पेटियां एक द्वीप पे आई, मच्छियारों ने पेटियां खोली तो अंदर से दो सुंदर कन्याएं, एक कन्या निकली, एक लड़का निकला, एक बच्ची बेटी निकली। उस वक्त ब्रह्मा और सारे देवता वहां प्रकट होके कहा ये दोनों भविष्य में भगवान के अवतार के माता पिता बनने वाले हैं, और उन दोनों को वहां से विवाह करा के अयोध्या में पहुंचा दिया। ऐसे भी रामायण में बहुत सी प्रचलित कथाएं लिखी हुई हैं, और यहाँ रावण ने भेजा है परशुराम को, ऐसा भी लिखा है। और परशुराम ने जब दूसरी बार ऐसे रामचंद्र को कहा और रामचंद्र ने देखा कि न गुरुवर कुछ बोल रहे हैं, न पिताजी कुछ कह रहे हैं, तब राम जी ने पहली बार कहा परशुराम जी एक तो आप ब्राह्मण है इसलिए मेरे लिए पूजने हैं, दूसरे आप विश्वामित्र के
भाई है, जो हमारा गुरु है, इसलिए भी आप पूजनीय हैं। वो बार बार आप धनुष के ऊपर प्रत्यंजा चढ़ाने के लिए आग्रह कर रहे हैं, तो लाइए धनुष। और रामचंद्र ने धनुष लिया और प्रत्यंजा चढ़ाया और बाण भी चढ़ा दिया। और बाण चढ़ाने के बाद राम जी ने फिर यही कहा कि ब्राह्मण देवता आप हमारे लिए आराध्य हैं, आपका वध तो ये बाण नहीं कर सकता। और राम बाण खाली भी नहीं जा सकता, एक बार प्रत्यंजा पे बाण चढ़ जाए राम जी का तो अपने निशाने पे जाता है। और विश्वामित्र के आप भाई हैं, मैं आपका वध तो नहीं कर सकता हूं। अब मेरे पास दो चीजें हैं, या आपके पांवों की गति रोक दूं कि आप चल ना पाओ इस बाण को यहां चलाऊं, या आपके तप से जो आप बड़े बड़े स्वर्ग आदि लोक को कमाया है उसको नष्ट कर दूं। और सुराम ने कहा विष्णु के धनुष के ऊपर विष्णु के अतिरिक्त कोई प्रत्यंजा चढ़ा ही नहीं सकता। इसका अर्थ है मैं आपको जान गया, आप साक्षात विष्णु है और मैं भी विष्णु का अंश हूं। आज मैं अपना अंश आप में समर्पित करता हूं, मेरे पांव को मत रोकिए, मेरी गति को मत रोकिए, क्योंकि मैंने वचन किया है पृथ्वी सारी का मैंने राज। अगर आप इस कथा को जानना चाहेंगे तो ये कथा ऐसी है कि परशुराम जी के पिता को गर्दन काट के ले गया था कार्तवीर अर्जुन ने, अर्जुन उससे युद्ध हुआ था, वो सहस्रबाहु था, वो इतना बलवान था कि रावण को बंदी बना लिया था, बहुत बलवान था वो। और उसको परशुराम जी ने मारा, उसके सारे बेटों को मारा, क्योंकि परशुराम के पिता की हत्या की थी उन्होंने, और परशुराम के पिता की गाय चुरा के ले जा रहे थे जमदग्नि की, इसलिए परशुराम जी क्षत्रिय जो ब्राह्मण विरोधी थे और धर्म के विरोध में चलते थे उन सब का 21 बार नाश किया था। और फिर पृथ्वी का पूरा मालिक उस समय जो क्षत्रिय भारतवर्ष से सिंधु नदी को पार करके और आगे एशिया में चले गए जो आज उधर से, वो वापस जब यहाँ आए उसको आर्य कहते। तो यार ये यहां से भी क्षत्रिय गए थे। आज भी हम देखते हैं कि अफगानिस्तान में तो आपको सारे पुराने चिन्ह हिंदुओं के मिलते हैं कि वहां हिंदू राज था, भाई कंधार से गंधारी आई थी दशरथ की पत्नी, ये तो महाराज सुमल का राज था जो गंधारी का पिता है, शकुनी का पिता महाराज सुमल का राज था। उसके आगे इराक के ऊपर और सारे मिडिल ईस्ट के ऊपर शल्य का राज था, मामा शल्य का। ये पूरा क्षेत्र जो है इस तरीके से यहाँ से आगे जाएंगे तो ये सारा ही प्राचीन सनातन है। अभी भी हम जाते हैं जब रशिया और इन देशों में तो पुराने सारे भारतीय की संस्कृति के चिन्ह मिलते हैं कि ये सब लोग यहाँ से गए हुए हैं और वहाँ जाके बसे थे। और क्षत्रिय उस वक्त यहाँ से गए थे जब परशुराम ने ये कार्य यहाँ शुरू किया था, कुछ लोग भाग के उधर चले गए थे, फिर उनका धर्म परिवर्तन हो गया, यवन हो गए, लेकिन गए यहाँ से हुए हैं। सो परशुराम ने कहा कि फिर मैंने सारी पृथ्वी का राज महाराज कश्यप को दान करके दे दिया, कश्यप को पृथ्वी का दान दिया, फिर मैं महेंद्र पर्वत के ऊपर रहता हूँ, रात में पृथ्वी के ऊपर नहीं गुजारता हूं, इसलिए मेरे पांव की गति को मत रोकिए, मेरे को वापस रात को महेंद्र पर्वत पहुंचना है, आप मेरे तप से कमाए हुए स्वर्ग आदि लोगों को नष्ट कर दीजिए, उसका अब क्या आवश्यकता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो राम जी का बाण चला और इसके बाद परशुराम जी यहां से राम जी को ही प्रणाम करके वापस चले गए। तो ये वाल्मीकि रामायण में रास्ते में भारत को परशुराम जी सामने आए हैं। और इसके उपरांत बारात जब अयोध्या के निकट पहुंची, इसमें 4-5 दिन लगते हैं, तब अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया, सब लोग स्वागत के लिए रास्ते में आ गए। और महाराज दशरथ जैसे घर में पहुंचे तो महाराज दशरथ ने रानियों को कहा कि ये देखो छोटी बालकियां हैं,
बहुत लंबे सफर से आई हैं, जैसे आंखें पलकों की रक्षा करती है ना, ऐसे आप इन बच्चियों की रक्षा करना। ये बेटियां आपकी बेटियां हैं, ऐसे इनको देखना। ये महाराज दशरथ ने अपनी रानियों को जो कहा है कि अपना घर छोड़ के ये कन्याएं आई हैं, छोटी हैं, इनको सुखपूर्वक यहाँ अब विश्राम करने दीजिए और इसके सुख सुविधा का ध्यान रखना। ये कितना बड़ा एक घर में आने वाली बहू बेटी के लिए कितना बड़ा सम्मान का महाराज दशरथ का शब्द है। इसको अगर हमारे समाजों के अंदर धारण किया जाए तो बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अब बहुत बड़ा बलिदान दे के आने वाली कन्या का सम्मान घर में होना चाहिए। और फिर चारों राजकुमारियों को विशेष रूप से सीता का मुंह दिखाने का जब समय आया तो पहले केकई आ गया, एक छोटी रानी थी। उसने कहा कि मैंने कनक भवन बनाया है, आज भी अयोध्या में कनक भवन है। ये कनक भवन सोने का सुंदर मैंने बनाया है। सीता जी आपको मुख दिखाई मैं ये कनक भवन देती हूँ, इसमें आप रामचंद्र के साथ सुखपूर्वक रहें। केकई ने कनक भवन अर्पण किया और फिर जब मुख देखा तो कहा कि वाह, हम सोच रहे थे हमारे राजकुमारों को समान सुंदर सील वाली कहाँ और कैसे कन्याएं मिलेंगी, आज आपको देख के हम प्रसन्न हो गए कि रामचंद्र को सवाई एक से ज्यादा सवाई ज्यादा अच्छी सुंदर सुशील कुलवती बड़े कुल की और मर्यादा वाली पत्नी मिली है, सहभागिनी मिली है। और फिर सुमित्रा ने आके मुंह दिखाई में कहा कि आज तक मैं लक्ष्मण को अपना बेटा मानती थी, वैसे रहता राम जी की सेवा में है, मैं अपना बेटा मानती थी, आज सीता मुंह दिखाई में मैं लक्ष्मण को आपको सुपुर्द करती हूँ, अब लक्ष्मण आपका हो गया। और तब कौशल्या ने प्रेम से मुंह दिखाई में कहा कि जिस बालक को मैंने 2515 जो भी अभी उम्र हो गई है, वनवास के लिए जाने के समय रामचंद्र की उम्र 27 साल थी, तो ये 18 साल का मेरा पाला पोषा प्यारा नील कमल जैसा ये रामचंद्र, इनका जन्म नक्षत्र का नाम राम जी का नाम दूसरा है, कौशल्या जी कहती है जैसे पद्मनाभ भगवान विष्णु को कहते हैं ऐसे नाभ के साथ जुड़ा हुआ नाम है जन्म का राम जी का, कि इसको जो मैंने प्रेम से पाला है आज इसको मैं सीता आपको अर्पण करती हूँ, अब ये आपकी संपत्ति हुआ, ये मेरा पुत्र मैं आपको समर्पण कर रही हूँ। और फिर तीनों राजकुमार अपने रानियों के साथ सुखपूर्वक अयोध्या में रहने लगे और बहुत अच्छी तरह से अयोध्या का राज सुशासन चल रहा था। कुछ समय बीतने के बाद महाराज दशरथ ने भरत को बुलाकर कहा, बेटा तुम्हारा मामा युधाजित के कई देश से विवाह के समय आया था, इसकी मन की इच्छा है कि आप ननिहाल जाओ, तो बेटा आप अब यहाँ से युधाजित मामा के साथ कुछ समय के कई देश अपने परिवारजनों को सुख देने के लिए जाओ।
अब जब भरत जी को ऐसे दशरथ जी ने कहा तो शत्रुघ्न तो भरत के बगैर रह नहीं सकता, वो तो उनकी छाया है, वो तो कठपुतली की तरह पीछे जाता है। तो भरत और शत्रुघ्न मामा युधाजित के साथ अयोध्या से विदा होते हैं केकई देश के लिए। ये केकई देश को भरत के ही दोनों पुत्रों को राज के हिस्से में बांट के दिया गया था। भरत के पुत्रों को केकई देश किया था, रामचंद्र के पुत्र लव और कुश लाहौर, लव का राज था और कुश के लिए भी शब्द है, उसके पास में ही क्षेत्र है, उसके अंदर राज था कुश का। पुत्र चारों भाइयों के दो दो पुत्र थे, ये आगे कथा आएगी। और यहाँ बाल कांड पूर्णावधि पे पहुंचता है। जैसे ही भरत शत्रुघ्न केकई देश के लिए रवाना होते हैं, बाल कांड पूर्ण होता है। अब यहां से अयोध्या कांड शुरू हुआ है। अयोध्या कांड का शुभ आरंभ होता है श्री रामचंद्र के अद्भुत गुणों से। महाराज दशरथ के राज में रामचंद्र के ऊपर प्रजा को देखभाल करने का काम सौंपा गया, तो रामचंद्र समय समय के ऊपर विशेष रूप से तीन बातें लिखी है कि रामचंद्र बड़ी उम्र वालों के साथ, उसको कहते हैं वयोवृद्ध, मतलब उम्र में जो बड़े हैं, ज्ञान वृद्ध जो ज्ञान में बड़े हैं, शील वृद्ध जिनका चरित्र ऊंचा है, ऐसे लोगों का संग करते थे। इन लोगों के संग करने से जीवन में ज्ञानवृद्ध से ज्ञान आएगा, वयोवृद्ध से उनके जीवन में बड़े अनुभव होते हैं, उन अनुभवों से हमको पहले ही शिक्षा मिल जाती है, और शील वृद्ध से हमारा चरित्र कितना उत्तम होना चाहिए। अब जब भगवान राम को इन बड़ों का संग करने की आवश्यकता पड़ती थी तो हमारे लिए ये कितने महत्वपूर्ण है। समाज के अंदर बड़ों का आदर करना, उनसे शिक्षा ग्रहण करना, ये बालकों को सिखाया जाना चाहिए। बड़ों का आदर करना, बड़ों से शिक्षा ग्रहण करना, वास्तव में देखा जाए कि जो 70 साल का आज व्यक्ति है उसने जीवन में कितने अनुभव किए हैं, कितना उसका एक्सपीरियंस है, उसका कोई लाभ नहीं ले रहा है। एक आपने सबने देखा हुआ फेसबुक पे था दक्षिण भारत का, यहाँ से रिटायर होके प्रोफेसर अमेरिका गया तो एक और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना, 70 साल के बाद उसको नोबेल प्राइज मिला और 80 साल के बाद उसने कोई रिसर्च की। इसका मतलब बड़ी उम्र के आदमियों से बहुत बहुत बड़ा काम हो सकता है अगर कोई लेने वाला हो तो, उसको बेकार करके ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए। और रामचंद्र के लिए दो शब्द है जो भागवत में लिखे हैं, प्रजा जो उसकी अपनी जनता है, लोक आराध्य है, उसके लिए पूजा किसकी करनी है, बोला अपनी प्रजा की पूजा करनी है। वो प्रजा को, वो रामचंद्र राजकुमार होते हुए भी सबको सुलभ थे, आसानी से सब उनसे मिल सकते थे, वो हर एक के दुख सुख में उनके साथ चले जाते थे, तो प्रजा का दिल रामचंद्र ने जीत लिया, सबके मन में रामचंद्र बस गया। और ये सब थोड़े समय तक जब ये विचार ऐसे राज में काज कर रहे थे रामचंद्र, तो महाराज दशरथ को विचार आया, और ये वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है, तुलसीकृत रामायण में ये लिखा हुआ रामचरितमानस में, कि एक दिन सभा के अंदर दशरथ जी ने अपना मुख आईने में देखा और फिर इसके ऊपर चर्चा की है, कोई सभा में आईना साथ नहीं ले जाता है, आईना उनका रामचंद्र है, रामचंद्र ही उसके लिए दर्पण है। वैसे दर्पण के, एक दर्पण के दो अर्थ हैं, जो आईना है इसको दर्पण कहते हैं, एक दर्पण अच्छा मित्र है, सच बता देता है, जैसे हम हैं वैसे दिखा देता है, जैसे हम हैं वैसे दिखा देता है, कोई काला निशान है तो दिखा देगा, लाल निशान है तो दिखा देगा, तो अच्छा मित्र है हमारे को, अपने जैसे हम हैं ऐसे दिखा देता है। दूसरा दर्पण का अर्थ करते हैं जो हमारे में अंदर दर्प पैदा करे, उसमें देखने के बाद हम समझे कि मैं अच्छा हूं, कोई बात नहीं, आंखें तो मेरी अच्छी हैं,
कोई बात नहीं, रंग थोड़ा सांवला है तो क्या हुआ, दर्पण आदमी को दर्प कराता है, दर्प का मतलब थोड़ा सा अहंकार मद कराता है। सो दर्पण वाली ये जो बात है कि कान के पास कुछ सफेद बाल महाराज दशरथ ने दृष्टि गोचर हुए देखे, फिर कहते हैं कि कोई आईने में नहीं देखे, अनुभव किया कि रामचंद्र अब राज के योग्य हो गए, रामचंद्र ही उनके लिए दर्पण था। परंतु वहां लिखा है, बहुत दो चार पेज लिखे हैं आचार्यों ने, कि कान के पास सफेद बाल आते हैं, श्रीपद शंकराचार्य कहते हैं ये बुढ़ापे की सूचना देने आते हैं कि अब आप बैठ के भगवान की भक्ति करो और राम नाम जपो। ये यहाँ कान के पास आते हैं, कान को सुनाने के लिए, पहले बाल सफेद कान के पास होते हैं, तो ये कान में कहते हैं अब वो आपको संसार के सारे समस्या और आप जिसमें फंसे हुए हैं उनको उससे मुक्त हो जाओ, अब बैठ के भगवान का भजन करो। तो महाराज दशरथ ने सफेद बाल देख के ऐसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा अब राज रामचंद्र को मैं अब युवराज पद के ऊपर अभिषेक करना चाहता हूँ। तो उन्होंने इस बात के लिए सारी सभा को बुलाया, सारे मंत्री बुलाए, सारे गणनाटक जो गणमान अपने नगरवासी थे, जनपदों से अलग डिस्ट्रिक्ट से जो भी बड़े थे, और रामचंद्र को भी उसमें बुलाया। फिर महाराज दशरथ ने कहा कि हमारे पूर्वजों का इक्ष्वाकु वंश के इस राज को हम अपनी भुजाओं से इतनी देर समय तक आपकी सेवा करते आए हैं, प्रजा की रक्षा करते आ रहे हैं, अब हमारी आयु के बढ़ने के कारण हम इसकी रक्षा करने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे हैं, और इसलिए हम आपके सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि हमारा सर्वगुण संपन्न ये जो राजकुमार है रामचंद्र, इसको हम चाहते हैं कि युवराज पद के ऊपर अभिषेक किया जाए। तो सारे सभासदों और मंत्रिमंडल ने तो एक स्वर में कहा, महाराज आज आपने हमारे और हमारे सारे परिजन और मित्र इष्ट संतान के मन की बात की है, हमारे तो घर में पूजा होती है कि रामचंद्र हमारा राजा कब होगा, आज हमने आपने आज रामचंद्र को हमारे जीते जी राज अभिषेक कराने का जो सौभाग्य आपने प्राप्त किया है आप हमारे लिए पूजन्य हैं। तो महाराज दशरथ ने कहा कि ऐसे आप बिना सोच विचार के मेरी बहा में हाँ मिला रहे हो, ये ठीक नहीं है। अब क्यों मेरे जीते जी रामचंद्र को राजा क्यों देखना चाहते हो? अंदर से बड़े प्रसन्न थे कि सब खुश हैं, लेकिन एक राजनीति से कि आप आंखें बंद करके मेरी बात में हाँ क्यों मिला रहे हो? बताओ रामचंद्र में ऐसे कौन से गुण है जो मेरे जीते जी उसको आप राजा बनाने चाहते हो? तो सबने कहा, महाराज आप तो पूजन्य हैं, आप ही ये हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं कि रामचंद्र जैसा राजा दे रहे हैं, आप इनके गुणों की बात करते हैं, ये अयोध्या को छोड़ो ये त्रिलोकी का संभालने का इसमें सामर्थ्य है, ये गुणों से संपन्न है, जनता के हृदय के ऊपर राज करने वाला है। राज दो जगह होता है, एक माथे के ऊपर होता है, एक दिल के ऊपर होता है। माथे के ऊपर लाठी से राज होता है, दिल के ऊपर राज होता है जब हम उनका स्नेह, उनके साथ स्नेह करें। रामचंद्र का स्नेह, रामचंद्र के गुणों में उन्होंने कहा किसी की बुराई याद नहीं करते, किसी की अच्छाई कभी भूलते नहीं, एक कोई व्यक्ति अच्छा काम करे राम जी कभी भूलते नहीं है, और किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको देखते नहीं है। हरे कृष्णा अच्छा विनोद कुमार ये असाई महंतन मथे बिहारियो आज्ञान करो मत भगत साहब वट बिछाड़ो महंत महंत है उनको भी कुर्सी देके यहीं बिठाई कही। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम।
जी को स्वागत। अखानी परिवार मुर्गे जी अनिल अमित जी तरफा सरदार नगर माए महाराज रा खास शिष्य है महाराज भेड़ा जी का सरदार नगर माए यार जोरदार तालियां मान सकते हैं विनोद कुमार जी ये यहां के देवो को ये अपनी परंपरा है इनका यहां के ये महंत हैं एक दरबार के सिंधी हमारे सिंधी समाज से अहमदाबाद में ही रहते हैं जयदास और विनोद भी नाम है जयदास भी नाम है थोड़े दिन पहले हमारे साथ भीलवाड़ा में थे हमने इनको निमंत्रण दिया था सत्संग में आने का तो आज पधारे हैं हरे कृष्ण सो सभासदों ने महाराज जनक को रामचंद्र के सारे उत्तम गुणों को गिन के सुनाया और कहा कि महाराज आज तक एक भी ऐसा प्रजा में नहीं है जो रामचंद्र के प्रति कुभाव रखता हो सबको बहुत प्रिय लगते हैं रामचंद्र आप कृपा करके इस कार्य को संपन्न करने की तैयारी कीजिए। अब महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए उनने महाराज उनने अपने गुरुदेव वशिष्ठ को कहा कि महाराज आपको अभिषेक राज युवराज पद के ऊपर अभिषेक करने के लिए तैयारी कीजिए रामचंद्र की और अपने मुख्य मंत्री सुमंत्र को कहा कि आप सारी व्यवस्था जिसकी आवश्यकता पड़ेगी और जनता में सारे नगर को सुंदर सजाने की और ये समाचार सूचना सब जगह पहुंचा दीजिए और महाराज दशरथ अपने महल में आए और रामचंद्र को बुलावा दिया। रामचंद्र को जैसे समाचार मिला कि पिताजी याद कर रहे हैं रामचंद्र तत्काल आए प्रणाम किया पिताजी के सामने बैठे पिताजी ने कहा बेटा राम आपके अंदर जितना निम्रता इस वक्त है अब आपको युवराज पद के ऊपर जब अभिषेक किया जाएगा तो आपकी निम्रता उससे 100 गुना बढ़नी चाहिए। महाराज दशरथ कहते हैं बेटा मैं पिता के नाते स्नेह है इसलिए भी आपको उपदेश करना मेरा धर्म है और राजा के नाते मैं अपना उत्तराधिकारी आपको बना रहा हूं इसलिए भी आपको शिक्षा देना मेरा धर्म है। एक बात याद रखना रामचंद्र अगर कोई भय के कारण आपके सामने अपनी बात न कह सके तो समझना कि आपके अंदर कोई त्रुटि है। निर्भय हो के आपके सामने कोई बात कहने का हिम्मत करे तो समझना कि आप उनके दिलों के ऊपर राज कर रहे इसलिए प्रजा के प्रति आपकी निम्रता का भाव और सहानुभूति पुत्र के समान प्रजा शब्द का भी अर्थ है ना प्रजा का मतलब है पुत्र ये प्रजा संतान के बराबर है इसको इस तरीके से आपको देखभाल करनी है। और फिर रामचंद्र प्रणाम करके वापस गए एक बार फिर रामचंद्र को बुलाया महाराज दशरथ ने कहा बेटा कल पुष्य नक्षत्र है ये बहुत अच्छा नक्षत्र आ गया कल ही अच्छा नक्षत्र है और इस नक्षत्र में आपका राज अभिषेक होगा तो अब आप आज रात व्रत लेंगे कुश की सैया के ऊपर सोएंगे और संयम से रहेंगे और कल सुबह अभिषेक के लिए आप पधारिएगा बेटा आइएगा। ऐसे रामचंद्र नमस्कार करके वापस गए तो माता कौशल्या को प्रणाम करके करने गए माता कौशल्या को ये समाचार मिल गया था और माता कौशल्या बहुत आनंद में क्या कर रही थी भगवान जो इस वक्त अपने भारत में सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगम का उसके अंदर जो ठाकुर जी विराजमान है रंगनाथ ये वास्तव में कौशल्या के द्वारा अयोध्या में पूजे जाते थे और रामचंद्र ने विभीषण को ये विग्रह दिए थे लंका ले जाने के लिए और विभीषण जब ले जा रहा था तो जहां आज मंदिर है यहां रखा ये दक्षिणमुखी मंदिर है दक्षिणमुखी मंदिर होते नहीं वहां रखा और यहां से ये विग्रह जाने के लिए तैयारी नहीं हुआ तो फिर ये उधरी मंदिर बन गया। आज भी ये मान्यता है कि विभीषण चिरजीवी है जैसे हनुमान आज भी है ऐसे विभीषण आज भी धरती के ऊपर है अश्वस्थामा चिरजीवी है कुछ अचीर आज भी रोज
विभीषण रंगनाथ में पूजा करने से बाहर है। एक कथा में रामचंद्र के गुणों के वर्णन में लिखा है कि विभीषण तो त्रेता युग का है, कितना लंबा होगा, कम से कम 12 फुट का लंबा होगा, आज के लोग 5-6 फुट के, द्वापर युग में 8-10 फुट के, त्रेता में उससे भी लंबे लोग थे। सो वो आया सुबह पूजा करके जाते हुए किसी ब्राह्मण, उसके सामने ब्राह्मण तो इतना छोटा लग रहा था, तो उसको ठोकर लगी, ब्राह्मण गिर गया, तो सारे लोगों ने इकट्ठे होके विभीषण को बंदी बना दिया। ये समाचार रामचंद्र को मिला अयोध्या में, तो रामचंद्र ने पुष्पक विमान को बुलाया, भरत को कहा कि आप राज को देखना, मुझे तत्काल श्रीरंगम जाना है। पुष्पक विंगम विमान में तत्काल वहां पहुंचे तो प्रजा ने रामचंद्र का, सबने इकट्ठे होके ब्राह्मण ने पूजन किया, प्रजा ने कहा महाराज एक बड़ा भारी राक्षस, उसको हमने बंदी बना दिया है, उसने एक ब्राह्मण को उनका उनके द्वारा चोट लग गई, इसलिए इसको आप दंडित कीजिए। रामचंद्र के सामने विभीषण को लाया गया तो रामचंद्र ने कहा कि दास का दोष मालिक का दोष माना जाता है, नौकर गलती करे तो मालिक को समझना चाहिए, बेटा गलती करे तो बाप जिम्मेवार है कि शिक्षा क्यों नहीं दी, और शिष्य गलती करे तो गुरु जिम्मेवार है, ऐसा शास्त्र में नियम है। अब मैं ये विभीषण मेरा सेवक है, रामचंद्र ने कहा, अब आपको दंड देना है तो मेरे को दो मृत्यु दंड। अब सब जिसकी पूजा की उसको कैसे दंड दें, सबने कहा महाराज अब ऐसे तो हम नहीं कर सकते। बोला फिर आप इसको मुक्त कर दो, ये मेरा सेवक है। तो इसको ये कितना बड़ा धर्म है, ये भगवान विष्णु ने कहा था जब वो चार कुमार सातवें दरवाजे तक पहुंचे थे वैकुंठ के, और द्वारपाल वैकुंठ के जय और विजय, उन्होंने लकड़ी सामने रख दी, लाठी के अंदर नहीं जा सकते तुम बच्चे हो, तो चार कुमारों को क्रोध आ गया, जो सबसे बड़े हैं ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र पहले वो है इस धरती के ऊपर, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो चार कुमार पहले भगवान का अवतार भी कहलाते हैं, ज्ञान की मूर्तिमान स्वरूप सनकादि कुमार है, उनको क्रोध आ गया, और जैसे उनको क्रोध आया उन्होंने शाप देना शुरू किया। भगवान विष्णु बिना गरुड़ के, बिना चप्पल के विश्वक्षान सामने खड़ा था, खड़ाऊ लेकर गरुड़ खड़ा था, सबको छोड़ के भागते हुए दरवाजे के ऊपर आए, लक्ष्मी देवी पीछे आई, वो सब बाद में आए, आते ही कहा ब्राह्मणों आपके स्वागत में मुझे विलंब हो गई, और मेरे सेवकों के अपराध को मैं अपना अपराध मानता हूं, ब्राह्मणों का अपराध मेरा हाथ करे तो मैं अपने हाथ को काट दूंगा, आपने अच्छा किया इनको शराब दिया। और ये कथा मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि रावण को राक्षस समझने की गलती मत करना, असल में रावण और कुंभकर्ण भगवान विष्णु के वैकुंठ के दो द्वारपाल जय और विजय हैं, इनको शराब दिया था चार कुमारों ने। वैसे एक बात ये है कि न तो कुमारों को क्रोध आ सकता है क्योंकि वो शांत ज्ञानी हैं, न ही द्वारपाल उनको रोक सकते हैं, भगवान विष्णु की इच्छा थी, उनके मन में कामना उत्पन्न हुई, भगवान सत्य संकल्प है, उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई, क्या इच्छा उत्पन्न हुई कि किसी के साथ कुश्ती की जाए, थोड़ा युद्ध किया जाए, अब भगवान के साथ कौन लड़े, तो भगवान की योग माया ने उन द्वारपालों को ऐसे उनको रोकने के लिए, ताकि ये द्वारपाल धरती पर जाएगी जिससे भगवान को लड़ने का सुख लेना पड़ेगा। और एक ये कथा भी लिखी हुई है भागवत में, अन्य शास्त्रों में, एक बार लक्ष्मी जी बाहर से आ रही थी तो द्वारपालों ने कहा हमारा स्वामी सोया हुआ है, आप अभी अंदर नहीं जा सकती। लक्ष्मी ने कहा स्वामी हमारा कि तुम्हारा, और लक्ष्मी को रोका, लक्ष्मी ने जाके अंदर कहा कि ये कैसे द्वारपाल हैं, ये शिष्टाचार नहीं जानते, मैं स्वामी नहीं हूं, घर की मालिक हूं, मेरे को रोक दिया। भगवान विष्णु ने कहा मैं बात आपकी समझ रहा हूं, लेकिन स्त्री के कारण द्वारपालों को डांटने से लोग कहेंगे कि ये तो जोरू का गुलाम है, ये मेरे को ठीक नहीं लगता है, आप रुको। लक्ष्मी ने कहा आप इतने शांत हैं, तो भगवान ने कहा आपको एक मेरा रूप ऐसा भी देखने को मिलेगा
जब आप भी नजदीक आने में घबराओगे, वो नरसिंह का रूप जब भगवान ने लिया तो ब्रह्मा जी ने कहा आगे जाओ लक्ष्मी, बोला आज मैं वहां पर नहीं जाऊंगी, तो बड़े क्रोध के रूप में है। सो असल में ये कथा ऐसे शुरू होती है कि भगवान की इच्छा से द्वारपालों ने चार कुमारों को रोका और चार कुमारों को क्रोध भगवान की इच्छा से आया, और तब उन्होंने कहा तीन बार असुर बन के जाओ। भगवान ने कहा ये मेरे सेवक हैं, ये असुर बन के जाएंगे तो मैं अवतार लेके इनको वापस ले जाऊंगा। तो पहले ये हिरण्याकश्यप और हिरण्याकश्यपु बने, तब भगवान ने वराहरूप अवतार और नरसिंह अवतार लिया। फिर ये दोनों कुंभकर्ण और रावण बने हैं। अब भगवान रामचंद्र जानते हैं कि ये मेरे सेवक हैं। सो बात करें कि रामचंद्र के गुण ऐसे शीलवान हैं कि अपने सेवक के दोष को अपना दोष मानते हैं। कोई 10-1 साल पहले हम एक बहुत बड़ा एशिया का जेल है, तिहाड़ जेल दिल्ली में, उसमें भी एक जुवेनाइल जेल है जिसमें 18 साल से छोटे बच्चे हैं, 1800 बच्चे थे, 12 से लेके 15, 16, 17 साल के। तो हम उधर प्रवचन करने गए तो हमने कहा बच्चे आप बेटे ऐसा आज जेल में हो, इसकी जिम्मेवारी आपकी नहीं है, हमारी। अगर हम माता पिता ने या जो धर्म का प्रचार करते हैं उन्होंने आपको शिक्षा दी होती सही, तो आप स्कूल कॉलेज में कहीं होते, अच्छे कोई शिक्षा ग्रहण करते होते, जेल में नहीं होते। तो जवाबदारी आपकी नहीं है, आपके बड़ों की है, वो आप उसकी जिम्मेवारी आप। और बच्चे बेचारे बहुत दुखी होके फिर रोने लगे के हमने पूछा कुछ लोगों से तुम जेल में कैसे आए हो, तो चाचा ने कहा कि मेरे को इसका मोबाइल चुरा के, हमें चुराने गया, मुझे पकड़ा के जेल में आ गए। तो वो अपने आप से तो नहीं थे, किसी बड़े ने उसको इस काम में लगाया था। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि संतान के अपराध का, गलत काम का जवाबदारी माता पिता के ऊपर है। तो रामचंद्र के गुणों में ये गुण है और महाराज दशरथ ने ये शिक्षा दे दी बड़ी। और कौशल्या के पास जब तब गए तो मैं बात ये कर रहा था, कौशल्या देव पूजा में लगी हुई थी, ये समाचार मिल गया था कि रामचंद्र युवराज पद के ऊपर अभिष्ट होने वाले हैं, तो देवी कौशल्या भगवान की पूजा में लगी हुई थी। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है कौशल्या रोज यज्ञ करती थी, कौशल्या रोज भगवान की पूजा करती थी, पाठ करती थी, जप करती थी। इसका मतलब है कि स्त्रियों के लिए भी घर के अंदर धर्म के पालन करने का सारा विधान शास्त्र में लिखा हुआ है। और वैसे भी आजकल इस वक्त धर्म की रक्षा की आखिरी दीवार देवियां ये नारी है। नारी शक्ति घर के अंदर अगर थोड़ा धार्मिक वातावरण बनाएगी, छोटा चार चीजें अगर आपके घर में होंगी, भगवान का मंदिर बना होगा, घर के अंदर भोजन जो शुद्ध बने वो पहले भगवान को भोग लगे, फिर परिवार प्रसाद खाए, तो तीसरा घर में सत शास्त्र रामायण गीता आदि का घर में रोज पढ़ने का नियम हो, और भगवान के नाम का परिवार मिलके कीर्तन करे, ये चार काम। ये क्या कीर्तन यज्ञ हो जाएगा, आपका पूजन हो जाएगा, तो घर हमारा सारे विपदाओं से, संकट से, दुख से मुक्त रहेगा। आएगी भी तो भगवान की कृपा से सहन करने की भी शक्ति मिल जाएगी और उसका निवारण भी हो जाएगा। तो ये देवी घर में सारी कौशल्या पूजा कर रही थी, रामचंद्र ने जैसे प्रणाम किया माता ने उसके सर को सूंघ लिया। ये मर्यादा, ये छोटा बच्चा होता है तो उसको माता पिता चूम लेते हैं, अगर बड़ी उम्र का बच्चा हो गया है तो उसके सर को सूंघ ले लेते हैं। तो सर सूंघने का मतलब है उसको चूम लेना। और बहुत आनंदित होकर आसन के ऊपर बिठाया रामचंद्र जी को, और प्रसन्नता पूर्वक इस समाचार को सुनने के बाद घर सारे को सजाने लगी कि कल हमारे पुत्र का ये राजाभिषेक होने वाला है। रामचंद्र अपने निवास स्थान के ऊपर गए, सीता को कहा कि आज शय्या के ऊपर कुछ घास के ऊपर सोना है, आज हम व्रत रखेंगे, कल पूजन होना है। अभी कोई भी पूजा यज्ञ आदि होती है, जब पुराने जमाने में अपने घर में कन्या का विवाह होता था तो माता पिता नहीं, आधा गांव व्रत रखता था, आधा गांव व्रत रखता था भाई।
और कन्या के फेरे हो जाने के बाद उसका मुंह देखने के बाद भोजन करते हैं। ये खाना, ये इसका मतलब ये कि पूजन की विधि विधान ये पहले से समाज में चलते आ रहे हैं। तो और ये भी तो दूसरे दिन पूजा ही होनी थी, यज्ञ होना था अभिषेक का, तो मर्यादा से ये सब नियम पालन किए जा रहे थे और सारा शहर सजाया जा रहा था और लोग बहुत दूर दूर से, जो अयोध्या से नहीं और जनपदों से, सारे हजारों की लाखों की संख्या में इस बहुत बड़े सुंदर राम के युवराज पद के अभिषेक को देखने के लिए आ रहे थे। सभी आनंद में थे, लेकिन केकई के महल में केकई, जिसके अंदर दो एक दृष्टि से गुण है जो आज अवगुण हो गए, एक तो उसको अपने सुंदरता के ऊपर बहुत बड़ा गर्व है कि मैं सबसे सुंदर हूं और राजा मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, और दूसरा मेरा राजा दशरथ मेरे बस में है। ये जो दो भाव केकई के थे, इसके कारण केकई अपने पलंग के ऊपर अपने श्रृंगार में लगी हुई थी और पति मेरे बस में है, सब रानियों से ज्यादा मैं प्यारी हूं दशरथ को, ये दो उसके अंदर एक सौंदर्य का गर्व और एक अहंकार के पति मेरे बस में है लेटी पड़ी थी। और इसकी सेविका वो छत के ऊपर खड़ी थी, उसने देखा कि पास में कौशल्या के छत के ऊपर राम की धामा दूध पिलाने वाली दासी बड़ी प्रसन्नचित ऊपर श्रृंगार कर रही थी, फूल लगा रही थी। उसने पूछा, क्या कर रही हो, क्या हो रहा है, कौन सा उत्सव है, सारा अयोध्या क्यों सजाया जा रहा है? तो उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है मंत्र, कल सुबह कौशल्यानंदन रामचंद्र का राज अभिषेक होगा, यहां मंत्र को बुखार जैसे 104 आया है, गुस्से भर गई और नीचे उतर के आई, लेटी हुई केकई को क्या कहने लगी। इससे पहले पद्म पुराण में लिखा है कि देवताओं ने उनको ये मालूम था, जब तक राम, जब तक सीता का अपहरण नहीं होगा तब तक रावण का वध नहीं होगा, ये वो जानते थे देवता। और वहां लिखा ऐसे है, इतनी सारा सुख सारी अयोध्या में था, चोर को चांद अच्छा नहीं लगता है, चकोर को चांद अच्छा लगता है, चोर को चांद अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि चोरी कैसे करेगा रोशनी में। तो सारी दुनिया खुश थी, लेकिन देवता बड़े दुखी थे कि राम जी का राज अभिषेक हो गया तो वन में जाएंगे नहीं, वन में जाएंगे नहीं तो सीता का हरण होगा नहीं, तो रावण मरेगा नहीं, हमारा संकट तो बना रहेगा, तो करना क्या चाहिए। उन्होंने एक अप्सरा को देवलोक में महाराज केकई के घर भेज दिया, राजमहल में केकई देश में, वो केकई की सेविका बनी और केकई का जब विवाह हुआ तो उसके साथ मंत्रा आई, तो ये देवताओं की भेजी हुई थी और इसी काम के लिए भेजी हुई थी कि राम को वनवास दिलाया जाए। हम केकई के अवगुण सुनने वाले हैं, इसके बाद कथा में केकई के अवगुण आते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़े से सावधान हो जाए तो अच्छा है। दो बातें केकई के विषय में प्रसिद्ध है, अभी आएंगी। पहली तो बात ये है कि देव असुर संग्राम में दशरथ महाराज की उसने रक्षा की थी। महाराज दशरथ देवताओं की सहायता के लिए देवलोक में गए थे और असुर से लड़ते हुए महाराज के रथ के पहिए का कीला निकल गया था, और कीला निकल गया था उस जगह पे केकई ने अपनी उंगली डाल दी और महाराज सुरक्षित बच गए थे। तब महाराज ने दो वरदान केकई को मांगने के लिए कहे थे। केकई ने कहा, वर आप ही मेरे वर हो, वरदान को मैं क्या करूं, अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तब मांगूंगा। उंगली कैसे डाल दी, कथा लोक ये प्रसिद्ध है कि एक साधु आए थे
के कई देश में एक अभी छोटी सी बच्ची थी, साधु रात के सोए के कई ने तवे के ऊपर जो काला थी साधु के मुंह के ऊपर मल दी, बच्ची थी उसको तो ऐसे खेल खेल में काला पड़ मुंह का। सुबह उठा साधु ने देखा मेरा मुंह काला किया है, उसको कलंक लगेगा, ऐसे कह के साधु वहां से भागा भागा। लेकिन देखा उठ के सुबह के कई बच्ची ने कि वो करमंडल जो साधु का था वो तो रह गया, ये बेचारी उंगली में करमंडल लाट के, तो बच्ची थी इसने कोई सोच समझ के तो किया नहीं था, वो करमंडल उठा के पीछे भागी, साधु 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 ये आपका करमंडल रह गया। वो मुंह धो रहा था, उसने कहा अच्छा करमंडल लाई हो तो जिस उंगली में करमंडल लाई हो ये वज्र की हो जाएगी, उसने ये आशीर्वाद दिया था, इसलिए उसकी उंगली उस जगह पे अटकने से टूटी नहीं क्योंकि ये उसको आशीर्वाद था। और कलंक भी लगना था, साधु ने श्राप भी दे दिया था कि कलंक तुमको लगना है। अब ऐसा भी रामायणों में वर्णन आता है, एक दिन रामचंद्र को हर समय केकई के ही महल में रहते थे, केकई को भरत से ज्यादा राम प्रिय था। एक दिन रामचंद्र पीछे से आए, केकई की आंखें बंद कर दी ऐसे, तो माँ केकई ने हाथ को देख के कहा ये तो मेरे कलाई मेरे प्रिय राम की है। बोला माँ आपने पहचान लिया, अच्छा एक वचन दो तब मैं आंखें खोलूंगा। बोला बेटा तुमको तुम मुझे प्राण से प्यारे हो, तुम वचन क्या जो मांगोगे तुम्हें दे दूंगी। बोला फिर एक ये मेरी ममतामयी माया कौशल माता कौशल्या ये कार्य नहीं कर सकती, देवताओं के कार्य के लिए मैं जब तक वन में नहीं जाऊंगा तब तक ऋषियों का और देवताओं का कार्य सिद्ध नहीं होगा, ये वन भेजने का काम आपको करना पड़ेगा, माता मुझे वचन दो। कौशल्या तो ये काम कर नहीं पाएगी, ये काम आपको करना पड़ेगा। केकई ने कहा बेटा मैं समझता हूं कि ये काम मुझे कलंक जरूर लगाएगा, लेकिन मैं आपको वचन देती हूं कि आपके इस काम में मैं निमित्त जरूर बनूंगी। तब भगवान ने उनके आंखों से हाथ हटाया था। तो केकई को राम जी ने स्वयं कहा था मुझे वनवास दिलाना, क्योंकि राम जी अवतार लेके आए थे सुरधेनु विप्र हित लीज मन लेन मनुज अवतार, तो अवतार वो तो धुंध को तो मालूम है कि मैं किसके लिए आया हूं। आगे कथा में आएगा कि वनवास में चलते हुए चित्रकूट से निकलने के बाद सीता को एक बार रामचंद्र ने कहा कि अब आपका अपहरण होगा, इसलिए आपको मैं अग्निदेव के पास धरोहर रखता हूँ, अब आगे से छाया सीता को रावण उठा के जाएगा। तो रामचंद्र ने सीता को भी ऐसे कहा था कि ये आगे होने वाला है। तो ये अब आते हैं वो ऊपर से मंथरा जो नीचे उतर के आई, अब आप समझे कुबड़ी है उसकी, कुबड़ है पीछे से मंथरा की, और ये दासी है जो केकई देश से केकई के साथ आई है और केकई की मुंह लगी है। उसने आगे कहा आप सो के आराम कर रही हो, तुम्हारा आहित हो रहा है तुम्हें पता नहीं है। बोला क्यों इतनी क्रोध से बोल रही हो, क्या हो गया मंथरा? बोला मालूम नहीं है तुम्हारा आहित होने जा रहा है, रामचंद्र का कल राज अभिषेक होने वाला है। ये सुन के केकई ने माला जो उसके गले में पड़ी थी हीरों की, कहा ये लो उपहार तू मंथरा, मेरा राम मुझे भरत के समान प्रिय है, राम के अभिषेक का समाचार देके आपने मेरा दिल जीत लिया, ये आपको उपहार ले लो। केकई का मन तो बहुत साफ था निर्मल था, लेकिन फिर मंथरा ने कहा अपने हित का तुम्हें विचार नहीं है, राम राजा बनेगा कौशल्या राजमाता बनेगी ना, तो आपको तो नौकरानी बनना पड़ेगा दासी बनना पड़ेगा। बोला ऐसे मेरे के साथ कौशल्या व्यवहार नहीं करेगी, राम मुझे अपनी माता से ज्यादा प्रेम करता है, तुम ऐसी क्यों, ये तेरी कुबड़ में पाप भरा है, ये तेरी कुबड़ है ना ये पाप से भरी हुई है, क्या तुम बोल रही हो। डांटा केकई ने तो उन्होंने एक अस्त्र और चलाया मंथरा ने कि मेरी बात नहीं समझ रही हो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर से आई हूं, मैं तुम्हारा हित चाहती हूं, बताओ बताओ रामचंद्र राजा हो गए तो रास्ते में भरत को अगर कंटक समझ लिया
तो बंदी बना सकते हैं, मार भी सकते हैं। इस बात को सुन के कई के मन बदल गया और उसने कहा ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी, ये राजाभिषेक नहीं होगा। लेकिन मंत्रणा करेंगे कैसे? मंत्रणा का मैं बताती हूं, मुझे मालूम है। आप मुझे कहती थी ना दो वरदान दिया है आपको दशरथ महाराज ने, मान लो। पहले वरदान में भरत के लिए राज मांग लो, दूसरे में 14 साल राम के लिए वनवास मांग लो। 14 साल प्रजा से दूर रहेंगे राम, तो नाम ही रब सबको राम का भूल जाएगा। क्या करूं? बोला कूप भवन में चले जाओ और महाराज आएंगे आपको समाचार देने। एक बात याद रखना, महाराज से पहले शपथ ले लेना, कसम उठवा लिया वो, फिर अपना दो बर मांगना। क्योंकि शपथ कर वचन देने के बाद कोई वचन से मुकरता नहीं है, ये मर्यादा मानव मात्र में चलती है। ये इससे आप एक बड़ी शिक्षा मिलती है, कुसंग का कितना बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। कैकेयी का मन कितना निर्मल था और इस कुसंग ने, गलत संग ने उसका मन कितना बदल दिया, एकदम में इतना बड़ा मन बदल गया। इसका मतलब संग हमेशा अच्छा करेंगे तो जीवन अच्छा होगा, कुसंग होगा तो जीवन बुरा होगा। इसलिए अच्छा संग सत्संग है। एक महात्मा कह रहा था देखो आपके घर में फ्रिज क्यों ली है, कि सब्जी खराब ना हो जाए, दूध खराब ना हो जाए। तो क्या खराब चीज फ्रिज में रखोगी तो अच्छी हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो फिर इंसान खराब ना हो जाए उसके लिए कौन सा औजार बना है, कौन सी मशीन बनी है जिसमें इंसान का दिमाग खराब ना हो जाए, विचार खराब ना हो जाए, उसके लिए कोई बना? और खराब भी जाए तो सुधर जाए, ऐसा कोई मशीन है क्या? बोला एक ही मशीन सत्संग ऐसा है जिसमें जाने वाला सुधर जाता है और सुधरा हुआ नहीं है वो भी सुधर जाता है, खराब भी सुधर जाता है। सत्संग का सुधरिया भला, सत्संग सुधारने वाला है सबसे बड़ा। इससे ज्यादा और अच्छा कोई साधन दुनिया में है ही नहीं। और अब एक तो दूसरी बात बड़ी बताओ, पति पत्नी के बीच में कोई गोपनीय बात, रहस्य की बात, एक अकेला ही में बात हूं वो नौकरानी को बताने की क्या जरूरत है भाई? नौकरानी को, क्योंकि घर का बुराई बाहर एक तो नौकर करते हैं, दूसरी स्त्रियां करती हैं। घर की बाहर, हमारे घर की अंदर क्या हो रहा है, जो अच्छाई बुराई ये करने वाले दो ही हैं, एक घर में काम करने वाले, एक स्त्री। तो बताओ इतनी मुंह लगी कोई सेविका होनी चाहिए जिससे पति से आपने बात की है जो, वो उसको बताने की जरूरत क्या थी? अगर मालूम ही नहीं होता मंत्रा को ये दो वर दिए हैं तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन भगवान की ये इच्छा थी, क्योंकि रामचंद्र अगर वन में नहीं जाएंगे तो सोना अगर आग में नहीं पकाया जाएगा तो कुंदन कैसे हो? रामचंद्र का वन में जाना, इतने सारे ऋषि मुनियों के साथ मिलना, कोल भील हर एक व्यक्ति को दर्शन देना, रामचंद्र के अवतार का उद्देश्य यही था। तो रामचंद्र को तो जाना ही था, परंतु उसका माध्यम केकई कैसे बनती है? अब केकई को भवन में चली गई, नीचे धरती के ऊपर काले कपड़े पहन के, मैले कपड़े पहन के लेट गई और महाराज दशरथ सारी व्यवस्था राज अभिषेक की करके और ये समाचार केकई को सुना के लेने के लिए महल में आए। केकई को न देखा तो दासियों से पूछा कि महारानी कहाँ है? बोलो महाराज कूप भवन में जाते हुए दौड़ते देखा है। महाराज दशरथ को थोड़ा सा बस चिंता होने लगी कि इस सुख के मंगलमय समय के ऊपर ये कूप भवन में क्यों गई है? इसका मतलब है पुराने राजमहलों में कूप भवन में हुआ करते थे, जहाँ क्रोध करके अपना क्रोध दिखाने का स्थान होता था। तो कूप भवन में महाराज दशरथ चले गए आते आते तो नीचे लेटा हुआ काले कपड़ों में धरती पे केकई को देखा। बोला प्रिय रानी आज रामचंद्र के अभिषेक के बड़े मंगलमय कार्य के दिन आपको किसने कष्ट दिया, किसने आपको कुछ कहा है, आप इतने दुखी क्यों हैं?
आपके लिए मैं प्राण दे सकता हूँ। महाराज दशरथ कहते हैं आपके लिए मैं प्राण दे सकता हूँ, आपका कौन सा मनोरथ है जो मैं आज तक मैंने पूरा नहीं किया है, अब बताऊं कि कहीं क्यों ऐसे पड़ी। बोला मेरे किसी ने मुझे कुछ बुरा नहीं कहा है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, हाँ मेरा मनोरथ है आप पूरा कीजिए। बोला बताओ आपका मनोरथ कौन सा है, जो भी मनोरथ आप मांगोगे मैं पूरा करूंगा। बोला पहले शब्द आप कसम उठाओ। दशरथ ने कहा रामचंद्र से अधिक तो मुझे कोई प्रिय नहीं है आपके अतिरिक्त, क्योंकि मैं रामचंद्र का शपथ लेता हूं कि जो आपको का मनोरथ है मैं पूरा करूंगा। अब जब शपथ हो गया तो केकई उठ के बैठ गई और कहा कि आपको याद है आपने दो वचन मेरे को दिए थे, दो वचन क्यों, दस वचन मांग लो केकई, आज रामचंद्र के अभिषेक के समय तो मैं उदारता से जो मांगोगी वे दे दूंगा। और उस समय केकई ने बड़ी निर्दयता के साथ, पत्थर का दिल उसका बन गया था ऐसे लगता है, कहा पहला ये सामग्री जो तैयार आपने जुटाई है रामचंद्र के युवराज पद के अभिषेक के लिए, इसी सामग्री से मेरे पुत्र भरत का राजाभिषेक होना चाहिए। महाराज दशरथ देख रहे थे सुन रहे थे, और दूसरा वर रामचंद्र पेड़ की छाल के कपड़े वलकल पहन के जटा बांध के 14 वर्ष के लिए वनवास जाए, ये सुनते ही पहले महाराज दशरथ मूर्छित हो गए, क्योंकि राम का वियोग वो सह नहीं सकते थे। मछली पानी के बगैर रह सकती है लेकिन दशरथ राम के बगैर नहीं रह सकते, चंद्रमा गर्मी उगल सकता है लेकिन दशरथ राम के बगैर रह नहीं सकते, भले उल्टी पृथ्वी हो जाए। महाराज दशरथ जैसे थोड़े सचेत हुए, पहले तो केकई को मनाने लगे, केकई राम तो आपको अपनी मां से ज्यादा प्रेम करता है, आपके पास अधिक रहता है राम, और भरत, भरत को बड़ी प्रसन्नता होगी राम के राज से। बोला महाराज भरत को राज चाहिए, राम को वनवास चाहिए। तो फिर महाराज दशरथ कहते हैं ठीक है केकई, तुम्हारी एक बात मैं मान लेता हूं, इसी सामग्री से भरत का राजाभिषेक कर दूंगा, मेरा राम भरत को राजा देख के प्रसन्न हो जाएगा, राम को मुझसे मत जुदा करो, दूसरा वरदान वापस ले लो। केके ने कहा महाराज पहले राम वनवास जाएगा, भरत तो जब ननिहाल से आएगा तब राजा बनेगा ना, उससे पहले राम को वनवास जाना चाहिए। अब थोड़ा सा दशरथ महाराज को क्रोध आया, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, राम के जाने के बाद मैं जीवित नहीं रहूंगा, तुम मेरे को मारने की बात क्यों कह रही हो, राम को मुझसे जुदा क्यों करना चाहती, तुम अपने भरत का राज ले लो। केकई अब कुछ और सुनने को तैयार नहीं है, महाराज रो रहे हैं, रात पूरी गुजर गई समझाने के लिए, केकई के चरणों में माथा रख के कई बार दशरथ ने प्रार्थना की कि देवी राम को मुझसे जुदा मत करो, राज भरत के लिए भले ले लो, लेकिन कुछ नहीं मानी केकई। सुबह उठने का प्रभात का समय हुआ, महाराज वशिष्ठ सारी सामग्रियों की तैयारी करके राजमहल के बाहर खड़े थे, अब अंदर कौन जाए, सुमंतर उसको अंदर महाराज के महल में जाने का अधिकार था। बोला सुमंतर महाराज को जल्दी लेके आओ, पुष्य नक्षत्र हो रहा है। जैसे सुमंत्र अंदर जाता है महाराज दशरथ को ऐसे नीचे पड़ा हुआ देखा है और केकई पास में बैठी है, तो उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज पुष्प नक्षत्र में अभिषेक का समय तो आ ही रहा है, आप चलिए। तो महाराज कुछ बोल नहीं पाए, केकई ने कहा इतनी प्रसन्नता महाराज को राम के अभिषेक की है, सारी रात सो नहीं पाए, इनको नींद आ रही। अब क्योंकि मंत्री को अगर सुमंत बड़ा पुराना मंत्री है और इसको अगर केकई कह देती है कि मैंने दो वर मांगे तो ये मंत्री बड़े होशियार होते हैं, सारा काम बिगाड़ देंगे, इसको नहीं बताना चाहिए, ये केकई के मन में पक्का विश्वास था, क्योंकि केकई राजनीति भी जानती थी और युद्ध का भी कला उसको थी, रथ चलाना जानती थी, वो बड़ी जो है कुशल थी। तो इसने कहा कि मंत्री को ये बता दिया तो सुमंत बड़ा होशियार है, सारा खेल बिगाड़ देगा। बोला महाराज रामचंद्र को देखना चाहते हैं।
रामचंद्र आएगा, पिता की आज्ञा का पालन करेगा तो फिर मंत्री कुछ नहीं कर पाएगा। तो सुमंत ने कहा, देवी आपकी आज्ञा सर के ऊपर, परंतु जब तक महाराज की आज्ञा नहीं होगी तब तक तो हम कार्य नहीं कर सकते। तो महाराज ने बहुत ही दुखी स्वर में कहा, मैं राम को देखना चाहता हूँ। तो सुमंत तो भागता हुआ गया रथ के ऊपर, रामचंद्र को कहा कि महाराज दशरथ आपको बुला रहे हैं। और रामचंद्र तत्काल वहां से जैसे घर में आए, अंदर प्रवेश किया तो महाराज दशरथ के आंसू इतने बह रहे थे, रामचंद्र को पूरा देख नहीं सके, गला बंद हो गया, बोल नहीं सके। और इस स्थिति में रामचंद्र ने दोनों को प्रणाम किया, माता पिता को, और फिर पूछा कि माँ क्या मुझसे कोई अपराध हो गया जाने अनजाने में, इसलिए पिताजी इतने दुखित रो रहे हैं। केकई ने कहा, राम अपराध तो तुमसे हो नहीं सकता, राम से अपराध हो जाए ये केकई भी कहती है, मैं नहीं मानती हूं, परंतु आपका पिता दो वचन मुझे दिए हैं वो आपको कह नहीं पा रहे हैं, संकोच हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है कहने में। तो राम जी ने कहा, आप ही माता जी बता दो क्या वचन आपने मांगे, पिताजी इसके लिए इतने दुखी हैं। तो जब राम जी अंदर गए और ये स्थिति देखी, तब तुलसीदास ने लिखा है, रघुकुल दीपक, रामचंद्र अंदर आए को रघुचल उसका मुख कैसे लग रहा था, रघुकुल दीपक। अब दीपक रोशनी करता है लेकिन थोड़ी करता है, दिन में नहीं करता है, उसमें सामग्री चाहिए, तेल चाहिए, बाती चाहिए, दीपा चाहिए। इसका मतलब जब राम जी आए तो सामान है, उसका मुख चमक रहा था जैसे दिया चमके। और जब वो कहने लगी के कही कि मेरे बेटे राम को राज तिलक दिया जाएगा, मेरे बेटे भरत को राज तिलक दिया जाएगा, तब रामचंद्र का मुख रघुकुल मणि, अरे दिया तो जलता है तेल से, मणि तो दिन रात जल चमकती है, रामचंद्र का मुख और चमक गया। अरे मेरा भाई भरत राजा बनेगा, इससे ज्यादा मुझे और कौन सी खुशी होगी। इससे पहले वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि लक्ष्मण को कहा, हे सुमित्रा नंदन, अब जो राज मिलेगा ये राज आपको करना है, ये सारी संपत्ति राज आपके लिए सुमित्रा नंदन हम मैं ले रहा हूं, सेवा आपको करनी है। भाइयों में इतना प्रेम था तो उसने भरत के राज का सुना तो उनका चेहरा और चमक उठा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मेरे भाई को राज, पर मैं यही चाहता हूं और यही राम जी चाहते थे। और 14 साल के लिए भरत ही तो राजा था लेकिन राज गद्दी पे नहीं बैठे थे, और बात है। और जब दूसरा वर कहा कि रामचंद्र आपको अब वनवास जाना है, तब रामचंद्र के मुख को कहा, भानु कुल भानु, भानु कहते हैं सूर्य को, सूर्य को जो प्रकाश कर देता है ऐसा मुख और चमक गया। रामचंद्र का मुख इतना चमक गया था, और लिखा है वाल्मीकि जी ने, जैसे बड़े बड़े साधु महंत योगियों को दुनिया का कोई दुख दुखी नहीं कर सकता है, वो शांत रहते हैं, राम जी इतने ही शांत और गंभीर रहे और मुख उनका चमक रहा था। राम जी ने कहा, माता इतनी बात के लिए आपने पिता को कष्ट क्यों नहीं कहा, आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं था मुझे कह देती ना तो मैं आपकी बात टालता क्या, पिता को दुख क्यों दिया, इसका मतलब आपने मुझे अपना पुत्र नहीं माना, मैं मुझे कह देती ना। और फिर राम जी ने कहा, देखिए माता, दुनिया आपके ऊपर पक्षपात लगाएगी, भरत को तो एक छोटा अयोध्या का राज दे दिया, मेरे को पूरे वन प्रदेश का राज दे दिया, लोग कहेंगे कि केकई ने राम को बड़ा राज दिया, अपने बेटे को छोटा राज दिया, मां आपके ऊपर पक्षपात लग जाएगा, आपने ये क्या किया, वहां तो मुझे मेरे शरीर की रक्षा करनी पड़ेगी वन में, यहां यहां भरत को तो पूरे राज की रक्षा करना पड़ेगी, भार तो आपने भरत के ऊपर ज्यादा लगा दिया, मेरे को तो मुक्त कर दिया। और ये कहने के बाद रामचंद्र यहां से निकले हैं, मां कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या तो इंतजार कर रही थी कि पूजा में लगी हुई थी अपने भगवान की, और जैसे रामचंद्र को देखा
तो बहुत सुंदर आसन लाके और उनके लिए नाश्ते का बंदोबस्त करने लगी। राम जी ने आसन को हाथ लगा के नमस्कार किया, कहा माता अब हमारे लिए कुश आसन के ऊपर बैठना और कंद मूल खाना ही 14 वर्ष के लिए वन में पिताजी की आज्ञा है। अब ये राजभोग और आसन हम नहीं करेंगे। ये सुनते ही माँ कौशल्या नीचे गिर पड़ी मूर्छित होके। राम जी ने उसको संभाला, उसको पहुंचा, माँ को सचेत करने का प्रयास किया। माँ आंख खोल के रामचंद्र को देखे, फिर मूर्छित हो जाए। आपने कहा 14 साल कौन सा बड़ा है माता जी, पिता की आज्ञा का पालन करके अभी आप वापस आ जाऊंगा, आप मुझे अनुमति दीजिए, आज्ञा दीजिए। लक्ष्मण खड़ा था, अब लक्ष्मण साथ आया। अब लक्ष्मण से ये देखा नहीं गया, उसने कहा बड़ी माँ पिताजी एक तो बूढ़े हो गए और एक उसके कई के मुंह में अंधे हो गए हैं, मैं युद्ध करके राम का राज अभिषेक कराऊंगा, जरूरत पड़ी तो पिता को बंदी भी बना दूंगा, मारना पड़ा तो मार भी दूंगा। लक्ष्मण इतना क्रोधित हो गया। कौशल्या थोड़ा सा ऊपर उठ के देखा, राम क्या कह रहा है लक्ष्मण, जो लक्ष्मण कह रहा है मैं भी इसी को ठीक समझती हूं और तुमको वन में ही जाना है तो मेरे को साथ ले चलो। कौशल्या का राम ने बड़ा निम्रता से मां को समझाया बुझाया, लक्ष्मण को शांत किया। कहा बेटा पिता भैया पिता के लिए ऐसे शब्द कहना उचित नहीं है। और दोनों को शांत करके लक्ष्मण यहां से रामचंद्र सीता के महल में आए। सीता तो आरती लेके खड़ी थी कि अभी राज अभिषेक हो गया होगा और जैसे ही मेरे आंख नैनू के उत्सव रघुनंदन आएंगे तो मैं उनकी आरती उतारूंगी। लेकिन रहा रामचंद्र को देखा, वो तो सामान्य साधारण आ रहे हैं, लक्ष्मण साथ में है। अंदर जैसे रामचंद्र पहुंचे तो सीता ने प्रणाम करके पूछा कि राज अभिषेक हो गया, क्या जल्दी कैसे आ गए। बोला सीते इस वक्त 14 वर्ष वनवास का आदेश हमको मिला है और उसके लिए तत्काल हमको तैयारी करनी है और आप यहां रह के माताओं का देखभाल करना। अब सीता कहती है पति ही पत्नी के लिए सब कुछ होता है, माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार बेटा बेटियां ये सब अपनी जगह पे, लेकिन असली संबंध जो नित्य सदा रहने वाला है वो तो पति पत्नी का होता है। इसलिए मैं आप वन में जाए और मैं राजमहल में रहूं ये मैं नहीं कर सकती। आपके आगे आगे चल के कांटा कंकड़ है उसको मैं हटाती हुई कुचलती हुई आपका नाश साफ साफ करती हुई चलूंगी, मैं यहाँ राजमहल में नहीं रह सकती। रामचंद्र ने कहा बहुत वन के अंदर बहुत संकट है, बड़े बड़े भयानक राक्षस होंगे, कुछ हिंसक पशु होंगे, रास्ते भी नहीं होंगे, कहाँ सोएंगे। अब ये दूध की फैन जैसे पलंग के ऊपर सोने वाले, कभी चरण नीचे धरती पे रखा नहीं है ऐसी कोमल किशोरी सीता, उसको रामचंद्र कहते हैं वन में बड़े कष्ट होंगे। तब सीता को क्रोध आ गया, कहा मेरे पिता मिथिलेश को अगर ये पता होता कि आप देखने में पुरुष हैं और वन में स्त्री से ज्यादा डरपोक है तो धनुष भंग के बाद भी आपको मेरा हाथ नहीं देते। ये सुन के रामचंद्र प्रसन्न हो गए कि सीता कितनी दृढ़ संकल्प है अपनी नारी धर्म के पालन के लिए। बड़ी शिक्षा अच्छी मिलती है कि जब सुख शांति घर में समृद्धि हो तब तो साथ रहना अच्छा है, लेकिन कष्ट भी आ जाए दुख भी आ जाए तो भी पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब राम जी निरुत्तर हो गए, कहा कि ठीक है अब चलने की तैयारी करो सीता, आपको अनुमति देता हूं। अब लक्ष्मण की ओर देखा कि लक्ष्मण अब देखो न शत्रुघ्न है न भरतैया, अब माताएं भी शोक में है, पिता मूर्छित जैसे पड़े हुए हैं, आप तो इनकी देखभाल करने के लिए यहां रह जाओ। लक्ष्मण कहता है भैया ये सब दुनिया यहां रहेगी, मैं जहां राम रहेगा वहां लक्ष्मण रहेगा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं रह सकता हूं।
तो रामचंद्र ने कहा अगर इतना ही आपका आग्रह है तो जाओ अपनी माता से आज्ञा लेकर आओ, अपनी माता से जाकर आज्ञा लेकर आओ। लक्ष्मण सुमित्रा को प्रणाम किया है। सुमित्रा कहती है बेटा आयुष्मान रहो। बोला माता मैं आपसे आज्ञा मांगने आ रहा हूं। क्या आज्ञा बेटा? बोला मैं रामचंद्र के साथ वनवास जाना चाहता हूं। बोले तुम्हारी माँ के पास जाओ ना, मेरे पास क्यों आए? बोला माँ तो आप है मेरी। बोला मैंने मुंह दिखाई में सीता को आपको दे दिया था, आप उनसे आज्ञा ले, मेरे से आज्ञा ले। हाँ अगर मेरे पास आए हो और मेरे पुत्र हो तो आज से राम तुम्हारे लिए पिता है, वन तुम्हारे लिए अयोध्या है, सीता तेरी माता है और इनको सुरक्षित देखता हूं, इनके साथ सुरक्षित तुम वापस आओ, ये मेरी आशीर्वाद है, तुम्हारा जीवन राम की सेवा में। ऐसी माता सुमित्रा जैसी जो अपने पुत्र को राम की सेवा में अर्पण कर रही है, ऐसी माता भी मिलती नहीं है इतिहास में। ढूंढने के ऊपर लक्ष्मण जब वापस लौट के आए हैं तो यहाँ रामचंद्र ने जो घर में धन संपत्ति थी वो सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको दान दे दिए और दान देने के बाद सब कुछ अपने जो सेवक सेविकाएं थे वो रामचंद्र के पीछे चलने लगे सीता के। तो यहाँ से रामचंद्र सीधा वशिष्ठ जी के घर के पास गए। गुरु वशिष्ठ बाहर आए, रामचंद्र ने प्रणाम किया, कहा गुरुदेव पिताजी इस वक्त अस्वस्थ है, माताएं भी बहुत ही शोक में है, ये मेरे दास दासियां इनको मैंने कभी सेवक सेविकाएं नहीं समझे, ये मेरे पुत्र पुत्री के समान है, अब मैं वनवास जा रहा हूँ, इनके पालन पोषण का देख दुख सुख का भार मैं आपको सौंप के जा रहा हूँ, गुरु जी इनका आप देखभाल करना, अब सेवक को दुख न हो। रामचंद्र उनकी सारी व्यवस्था पहले किया, इसके बाद कहा कि अब पिता से आज्ञा लेने के लिए चलते हैं और आए हैं सीधे केकई के महल में। अभी भी महाराज दशरथ वहीं रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता को वहां देखा तो राम जी ने जाके कहा पिताजी मैं आपसे वन में जाने की आज्ञा लेने आया हूं और सीता और लक्ष्मण को मैंने बहुत समझाया कि वो यही रहे, वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो भी वन में चलने के लिए आपसे आज्ञा लेने के लिए आए। अब महाराज दशरथ कहते हैं कि बेटा देखो मैंने केकई के वचनों के बंधन के कारण मोह में आकर वचन तो दे दिया लेकिन तुम तो स्वतंत्र हो ना, मुझे बंदी बना लो और राजा के ऊपर बैठ जाओ। दशरथ ने कहा राम जी मुझे बंदी बना दो और राज के ऊपर सिंहासन पे बैठ जाओ। राम ने कहा पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन करके 14 साल के बाद आके आपके चरणों में नमस्कार करूंगा लेकिन अब तो वन में जाऊंगा आपके वचन की रक्षा करने के लिए। महाराज दशरथ ने कहा सुमंत्र मेरी चतुरंगिनी सेना मेरा सारा खजाना वन को जानने वाले जो यहाँ शिकारी है उन सबको राम जी के साथ भेज दो। ये सुन के केकई उठ के कही गए क्या मेरा बेटा बिना राज बिना धन वाले बिना सेना वाले राज के ऊपर राज करेगा क्या? अब दशरथ को क्रोध आ गया, बोला कुल घात नहीं कलंक नहीं, तुमने जब वचन मांगा था तो ये थोड़ी कहा था कि सेना मत भेजना धन मत देना, तुमने दो वचन मांगे थे ना तो अब क्यों उठ के बात कर ली चुप। और तब सुमंत्र पास में खड़ा था और उस वक्त केकई इतने में चुप करके फिर कहती है वनवास जाना है तो राम जी आपके साथ राज नहीं जाएगा, ये कपड़े केकई ने वलकल वस्त्र कहते हैं पेड़ की छाल के कपड़े मृग छाला और ये कपड़े लो पहनो और ये पहन के जाना है राजभेष में भी नहीं जाना है। तो राम लक्ष्मण तो कपड़े पहन लिए, सीता बेचारी को कपड़े पहनने नहीं आए तो राम जी सीता को कपड़े पहना रहे हैं। तब सुमंत्र ने देख के कहा केकई कुल घात नहीं पुत्र वधु है तेरी, इसको तो वनवास नहीं दिया है ना, वनवास तो राम को दिया है ना, इसको तो सुंदर साड़ी में जाने दो, विदा करो अपने घर से। और सुमंत्र को बहुत क्रोध आया, उसने भी केकई को बुरा भला कह दिया और तब तक वशिष्ठ जी आए
वशिष्ठ जी ने भी कैकेयी को बहुत फटकार लगाई के तुम्हारा इष्ट कभी पूरा नहीं होगा, तेरा पुत्र राम के बगैर राज नहीं करेगा। अगर तुम्हें तुम्हारे पुत्र को भी राजा बनाना है तो उसके लिए राम आवश्यक है। राम रहेगा तब भरत राज के ऊपर बैठेगा, बिना राम के भरत राज के ऊपर नहीं बैठेगा। और राम नहीं रहे तो ये तेरा पति भी नहीं रहेगा। तुम अपने आप को विधवा क्यों बनाने जा रही हो? इतना बड़ा दोष का कार्य करके कलंकनी क्यों बनने जा रही हो? बहरहाल ये सब यहाँ दुख से समाचार एक दूसरे को दे रहे हैं, ये बात चल रही है। रामचंद्र विदा मांग रहे हैं, तब महाराज दशरथ कहते मेरे सुकुमार दोनों बेटे हैं और ये सुकुमारी कन्या महाराज जनक की मेरी पुत्र वधू, कभी धरती पे पांव नहीं रखा है, सुमन तक हमारे राजवंश के रथ के ऊपर इनको बिठाओ और इनको इधर वन घुमाओ, बच्चे हैं, और फिर मना के वापस ले आना। सुमंत्र को कहा इनको रथ में ले जाओ। अब कहते हैं यहाँ रामचंद्र ने लक्ष्मण को कहा कि शस्त्र आघात से हमारे दो शस्त्र, तो हमारे दो जो है तीर कमान और दो तलवारें तीखी लेके आओ। और लक्ष्मण जब ये सामान लेके आए तो राम लक्ष्मण और सीता रथ के ऊपर चढ़े। रथ के ऊपर चढ़े हैं तो महाराज दशरथ उठे हैं, उठ के बाहर रथ के कह रहे रोको रोको सुमंत, आस्ते चलो, तेज मत चलाओ। और तब तक सारा अयोध्या नगर के नर नारियां बाहर निकल के आई और रथ के साथ चलने लगे। महाराज दशरथ ने रथ को कहा रोको और रामचंद्र कहते जल्दी चलो, जितना देर करोगे उतना इनको पीड़ा ज्यादा होगी, जितना आंखों से दूर जल्दी जाए उतना अच्छा है। जैसे रथ आंखों से उजल हुआ, महाराज दशरथ रथ को ही देख रहे थे, रथ की धूल भी जब देखने में नहीं आई, महाराज धड़ाम से नीचे गिरे और गिरे। तब कैकेयी नजदीक आई तो कहा अब तू मुंह नहीं दिखाना, आज से तुम्हारा हमारा रिश्ता समाप्त, कौशल्या अब तुम्हारे महल में ही मेरे को शांति मिलेगी, तुम मेरे को यहाँ से उठा के महल में ले चलो। महाराज दशरथ यहाँ से कौशल्या के महल में आते हैं और अब सारा नगर रामचंद्र के साथ जा रहा है। रामचंद्र के मना करने के ऊपर भी कोई लौट नहीं रहा है कि हम जहाँ आप रहेंगे राम हम वहाँ रहेंगे, ब्राह्मण भी साथ जा रहे हैं, सारे अयोध्या खाली हो गई। अब चलते चलते दिन भर चला रथ को, ये सब पीछे भागते चले, मान नहीं रहे हैं। रात को जहाँ विश्राम किया, दोपहर रात के गुजरे, राम ने कहा अब ये मानेंगे नहीं और ये हमारे साथ जाएंगे तो इनकी देखभाल करने में हमारा वन का जो व्रत है वो नहीं हम पाल पाएंगे। तो दोपहर रात गुजरी तो सुमंत्र को कहा अब रथ ले चलो यहाँ से, और रथ ऐसे ले चलो कहीं पहले राइट जाओ फिर लेफ्ट जाओ फिर आगे जाओ फिर पीछे जाओ, सुबह के रथ के पहियों के माध्यम से ये हमको ढूंढ ना पाए। रात रात को सीता राम लक्ष्मण यहाँ से चले गए। ये सुबह उठ के देखते हैं तो ना रथ है, ना सीता है, ना राम है, ना लक्ष्मण है, ना सुमंत्र है। हाय हाय जो सोते हैं वो खोते हैं, हमारी नींद ने हमको राम से जुदा कर दिया, रो रो के विलाप कर रहे हैं सब। अब क्या कर सकते हैं, वापस दुख से अयोध्या में लौट के आते हैं, अपने घरों के अंदर जैसे जैसे बहुत बड़ा कोई दुख का ऐसा वातावरण हो गया कि पूरा अयोध्या दुखी है। और उस तरफ राम जी आगे चले हैं, रथ जा रहा है। जब सीमा अयोध्या की समाप्त होने लगी तो नमस्कार किया राम जी ने, सीता ने, लक्ष्मण ने। और थोड़े आगे गए हैं तो श्रृंगवेरपुर स्थान आता है। श्रृंगवेरपुर अगर आप कभी प्रयागराज जाएं तो प्रयागराज से 30-40 किलोमीटर कानपुर की तरफ गंगा जी के तट पे श्रृंगवेरपुर अभी भी गांव है, वहाँ निषाद राज गुहा राजा का वहाँ था। और वहाँ वो स्थान है जहाँ सीता राम रात को सोए थे, वहाँ वो दो पेड़ हैं जिसके नीचे सोए थे वो अभी वहाँ पड़े हैं। हम गए थे एक कुंभ मेले के समय देखने के लिए उस जगह को,
और वहाँ गंगा जी का वो घाट है जो राम जी ने पार किया था। सो श्रृंगेरपुर जब रामचंद्र पहुँचे हैं तो निषाद राज गोया, जिसको आपको कल बताया था, छोटा बच्चा था और अपना पेड़ के पत्तों का बनाया हुआ जूता रामचंद्र को अर्पण किया था। रामचंद्र ने सोने की मणि जूते को उतार के उस मित्र का जूता लिया था। वो मित्र सामने आया और रामचंद्र का बड़ा स्वागत किया। तब रामचंद्र ने उसको कहा, अब ऐसे आप वट वृक्ष का दूध लाइए, अब हाँ यहाँ से हम जटा जूट बांधेंगे। तो उसने भोजन फल फूल लाए, बोला नहीं, आज गंगा का किनारा है, आज हम उपवास करेंगे, आज कुछ खाएंगे नहीं। तीर्थ में गंगा के किनारे शाम को पहुँचे तो सुबह स्नान करके फिर खाना चाहिए, रात को व्रत करना चाहिए, तो हम रात को अब कुछ खाएंगे नहीं। उसने वट वृक्ष का दूध लाया, रामचंद्र ने जटाएं बनाई, लक्ष्मण की जटाएं बनाई और रात को वहाँ कुछ घास बिछा के रामचंद्र और सीता के सोने के लिए दो बिस्तर बनाए गए, जिन पेड़ों के नीचे बनाए गए। उस स्थान को अभी तक वहाँ सुरक्षित उन्होंने रखा है। और सारी रात पहले तो गुहराज ने प्रार्थना की कि महाराज, आप हमारे मित्र हो, आपको अयोध्या से बाहर जाने के लिए कहा है ना, ये हमारा राज है, ये आपका राज है, आप यही रह जाइए। रामचंद्र कहता है, ये अयोध्या के निकट में हम यहाँ रहेंगे तो आए दिन रोज लोग यहाँ आते रहेंगे, तो हमारे वनवास का वचन पूरा नहीं होगा, इसलिए मेरे मित्र अब हम यहाँ तो नहीं रह पाएंगे। अब रात को जब ये सो गए सीताराम वहाँ, तो रोज नेम था लक्ष्मण का चरण दबाने का। लक्ष्मण तो रामचंद्र के चरण दबाते और कहते थे हमेशा रामचंद्र, अब भैया जाके सो जाओ, सुमित्रा नंदन, आज राम ने कुछ कहा ही नहीं। क्यों नहीं कहा? क्या रामचंद्र थक गए थे, नींद आ रही थी इसलिए कहा? नहीं, रामचंद्र जानते थे कि आज से पहला दिन हमारा वनवास का शुरू हो रहा है और राम लक्ष्मण को सोना नहीं है। अब सोना लक्ष्मण का 14 साल के लिए वर्जित है, इसलिए राम जी ने सोने का उनको कहा ही नहीं, और इसलिए सोने का कहा नहीं, रामचंद्र सो गए और लक्ष्मण गुहा निषाद के साथ दोनों बड़े सावधानी से तीर कमान लेके सुरक्षा के लिए सारी रात बैठे थे और आपस में ही चर्चा कर रहे थे। एक बात, शिक्षा के समय दशरथ महाराज ने रामचंद्र को कहा था कि जब कोई मंगल कार्य होने वाला है तो विघ्न डालते हैं, इसलिए आपके महल की सुरक्षा का बंदोबस्त कर देना, क्योंकि अच्छे काम को पूरा होने से पहले कोई बिगाड़ने वाला आ जाता है, और ऐसे कई बार होता है और हुआ है, इसलिए आज भी वो कहते हैं कि सीताराम को यहाँ सोए सुरक्षा के लिए दोनों सारी रात जागते रहे। अब दूसरे दिन सुबह हुई निषाद राज गोया को, रामचंद्र ने कहा कि अब हमको गंगा पार करके दूसरे तरफ जाना है, आप इसकी व्यवस्था करें। ये बहुत वास्तव में अभी तक तो भरत का चरित्र आया नहीं है, भरत का चरित्र ये अयोध्या कांड में असल में भरत चरित्र है, और भरत का इतना अद्भुत चरित्र है, तुलसीदास लिखते हैं गोस्वामी कि भरत के चरित्र का वर्णन करने में राम भी अपने आप को असमर्थ मानते हैं, वो भी उसका पूरा वर्णन करने में अपने आप को महाराज जनक अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि मैं इतना सारा आत्मज्ञानी हूं, बड़ा कर्म योगी हूं, फिर भी भरत के चरित्र को कहने में मैं असमर्थ हूं। अब तुलसीदास कहते हैं, भरत का चरित्र मैं कैसे लिखूं जिसके कहने के लिए शेष, गणेश, महेश, जनक जैसे सभी असमर्थ हैं। तो आगे जो आने वाला है वो भरत का ऐसा दुर्लभ और अनुपम और भाइयों के प्यार की परिकाष्ठा का चरित्र आने वाला है। सो यहाँ गुहा निषाद राज गुहा को भगवान ने गले लगाया, कहा मित्र अब हमारे को यहाँ से गंगा पार करनी है, और गंगा पार करने के लिए जब सब जाते हैं यहाँ सुमंत को विदा करना है, यहाँ से रथ आगे नहीं जाएगा गंगा से। और यहाँ कहते हैं कि सीता रथ की ओर देख रही थी देवी कि अब राज पाठ के सुख यहाँ समाप्त होते हैं, अब रथ नहीं,
अब प्यादल चलना है, बिना बिना पादुका के चलना है। और सुमंतर कह रहे थे, बेटा राम अब हो गया वनवास, आपके पिता ने कहा है वापस आ जाना, अगर आप नहीं मानते हो तो कम से कम सीता को तो वापस भेज दो, ये काम बन के दुख हो गए। लेकिन तीनों ने कहा नहीं, वचन तो अब हमारा साथ रहने का है, आप सुमंत वापस जाओ। तब राम जी ने सुमंत को कहा कि पिता को ये कहना कि सब माताओं के साथ बराबर का व्यवहार करें, इसका मतलब केकई के साथ क्रोध न करें पिता को ये, और माता कौशल्या को कहना 14 साल बहुत जल्दी बीत जाएंगे, हम आपकी सेवा में आ जाएंगे। और सुमंत्र उस वक्त लक्ष्मण ने कुछ कहा, और क्या कहा कि सुमंत्र इतना बड़ा अन्याय देखते हुए भी हम पिता का वध करके राम को राज की तिलक नहीं दिला सके, इस बात का हमको दुख। रामचंद्र तत्काल का सुमंत्र ये समाचार दशरथ को मत देना, तुम्हारे को मेरा शब्द, तुमको मैं कसम देता हूं कि ये बात दशरथ को मत बचाना। और सुमंत्र यहां रहा, और यहां अब केवट की बात आती है जो वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखी हुई है, लेकिन तुलसीदास ने ये वातावरण इतना गंभीर हो गया था, सुमंत जाने वाले थे, संदेश दिया जा रहा था, सब बहुत दुखी थे, तो थोड़ा सा रोचक एक प्रसंग होना चाहिए, इसलिए तुलसीदास ने ये प्रसंग बड़ा अच्छा लिखा है कि उस वक्त रामचंद्र ने कहा कि कोई नौका का बंदोबस्त कीजिए, यहाँ से पार हो जाए। तो वो जो केवट नौका वाला था उसने कहा कि नहीं, आपको रामचंद्र मैं दूसरे पार ले नहीं जा सकता, लक्ष्मण तो शेष है कैसे नहीं ले जा सकता। रामचंद्र ने कहा आप शांत रहो, क्या कहता है सुनो तो सही, ताकि मैंने सुना है आपके चरण की धूली लगने से पत्थर नारी बन गया, ये सच है। राम जी ने कहा विश्वामित्र की कृपा से अहल्या का उद्धार हो गया, नारी तो पत्थर से नारी बन गई। बोला फिर यही तो आपकी चरण में रज लगी हुई है, ये मेरी नौका कई स्त्री बन गई, एक पहले घर में दो को कैसे पालूंगी, ये तो नहीं हो सकता है। आपको पार जाना है, वो देखो सामने बस 100 मीटर आगे गंगा घुटने भर पानी है, वहां से चले जाओ, नौका में जाने की क्या जरूरत है। तो लक्ष्मण ने कहा चलो वहां से चलते हैं। राम जी कहने लगा नहीं रुको, ये क्या कहता है सुनो, तो मैं आपको पार नहीं कर सकता। बोला आपको पार करने में कोई हमें आपत्ति नहीं है, आपकी चरण की रज से हमारा तकलीफ, हमको चरण की रज से, तो क्या करना चाहते हो, तो आपका चरण धोना है, ये रज उतर जाएगी फिर आप बैठ सकते हैं। अब ये चरण जिनसे गंगा निकलती है, तो भगवान ने कहा जा पानी लेके आ गंगा से, वो गंगा से पानी लेने ही नहीं गया, घर से पानी लेने गया, अपने घर से कठोतरे में पानी लाया, और राम जी ने जैसे चरण आगे किया वो चरण धो रहा है। अरे भाई तू गंगा से पानी क्यों नहीं लाया, बोले गंगा तो आपके चरणों से निकली हुई है, अब वो आपके चरणों से निकली हुई गंगा वो तो प्रसाद है, उससे आपका चरण कैसे धोए, वो तो चरण धोने से कोई काम की नहीं है, वो तो पहले ही निकली आपके चरणों से है ना, मुझे तो आपके चरणों का जल चाहिए, उससे आपका चरण धोने से साफ चरण होंगे नहीं, वो तो आपके चरणों की है ना गंगा। एक चरण धोया, दूसरा चरण धोया, अब दूसरा चरण कैसे धोए, राम जी को सर के दोनों बोल दोनों हाथ मेरे सर के ऊपर रखो, अब दोनों हाथ सर के ऊपर रखे, आशीर्वाद भी पूरा दोनों हाथों का लिया, पांव को सब धो लिया, बोला नहीं अब पांव आपके नीचे नहीं रखने, क्यों नीचे रखेंगे फिर ये रज लग जाएगी और मेरा काम तो बिगड़ जाएगा, बोला फिर क्या, बोला फिर मैं आपको ऐसे उठा के नाव में बिठाऊंगा। अब रामचंद्र के चरणों का कितना बड़ा सौभाग्य इसका है
वैसे कुछ पुराने रामायणों में लिखा है कि भगवान जब सोए हुए थे अनंत शेष की शैया के ऊपर और लक्ष्मी चरण दबा रही थी, तो कछुआ भगवान के चरणों के पास आ रहा था, तो लक्ष्मी उसको भगा रही थी और शेष को खा रहा था, खा के उसको भगा रहा था। वो कछुआ जिसको चरणों की सेवा नहीं मिली, आज ये केवट बना है। अब वही सीता लक्ष्मी वहां खड़ी है, देख रही है, कुछ कर नहीं पा रही है। वही लक्ष्मण शेष है, वहां खड़े हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। आज वो जबरदस्ती कहता है, मैं आपको पांव धोऊंगा, भी धोऊंगा और पांव धो भी लिए और उसको उठा के नाव में बिठाया और राम जी को नाव में बिठाया है और नाव को चलाने लगा है। राम को देख रहा है, सीता राम लक्ष्मण बैठे हैं और दूसरे तरफ पहुंचे जब, तो उतना ही क्या थे, घर से निकले थे, कुछ भी नहीं था। सीता जी के पास अंगूठी थी, माँ ने अंगूठी निकाली, केवट ने कहा कुछ नहीं चाहिए। बोला क्यों? बोला आपका और हमारा धंधा तो एक ही है ना, आप भवसागर पार करते हैं, हम गंगा पार करते हैं। हमारे यहाँ रवाज है कि जो एक धंधे के हैं एक दूसरे से नहीं लेते, तो आप भी तो यही काम करते हो ना, आप भी संसार पार कराते हो, हम गंगा पार कराते हैं, तो बराबर के भाइयों से कोई हम पैसा नहीं लेते हैं, बस हमने आपको गंगा पार करा दिया, आप हमारा भवसागर पार करा देना, गोदा उतर जाएगा, उधर उतर जाएगा। बहुत सरल सी बात है कि भाई हमारे यहाँ नियम बना हुआ है कि एक धंधे वाले एक दूसरे से कुछ लेते नहीं है। और फिर माता आपकी अंगूठी मैं लूँ, ये अच्छा तो नहीं है। अब ये अंगूठी तो आगे चाहिए, हनुमान जी को दे के देनी पड़ेगी लंका, लंका ले जाने के लिए। तो केवट ने अंगूठी को नहीं लिया, दूसरे तरफ दोनों उतरे हैं। यहाँ सुमंत्र खड़ा था, गया नहीं। निषादराज गुहे को कहा कि आपके कुछ गुप्तचर पीछे भेजो, कहाँ जाते हैं पता लगाओ, कहाँ रहते हैं। वो वहाँ रुका रहा, एक दिन रुका हुआ। और सीताराम लक्ष्मण यहाँ से चल के प्रयागराज पहुँचे, गंगा पार करके प्रयागराज आए और ऋषि भारद्वाज के आश्रम में आए। और ऋषि भारद्वाज वाल्मीकि जी का शिष्य भारद्वाज है और उसने राम जी की, राम को सुना है कथा को, राम जी के प्रभाव को जानते हैं, रात को वहाँ रहे हैं रामचंद्र प्रेम से। और पूछा कि गुरुदेव महाराज भरद्वाज बताइए कि वनवास का अभी हमें जो वचन पिताजी का पालना है, कहाँ जाके हम अपना ये समय बिताएं। तो वैसे तो भरद्वाज ने कहा कि कौन सी जगह है जहाँ आप भगवान नहीं रहते, आप तो सब जगह रहते हैं, आपके रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है भक्तों का हृदय, उसमें आप सबसे अच्छी तरह से रह सकते हैं, क्योंकि भगवान आपसे, भक्त आपसे बड़ा प्रेम करते हैं। आप पूछते हैं कि कहाँ रहना है, तो यहीं रह जाइए, बहुत अच्छी जगह है, आश्रम है, त्रिवेणी संगम है गंगा का। राम जी ने कहा ये अयोध्या के बहुत निकट में, यहाँ भी लोग बहुत आते रहते हैं, हमारे वनवास का व्रत पूरा नहीं हो पाएगा। तो फिर उसने कहा कि आगे मेरे गुरु का आश्रम है वाल्मीकि का, आप उनसे पूछ लेना कि कहाँ रहना है। तो सीता राम लक्ष्मण, आगे राम चल रहे हैं, पीछे सीता, उसके पीछे लक्ष्मण चल रहा है। अब ये यहाँ से पैदल रवाना हुए हैं और यहाँ से चित्रकूट से अपने प्रयागराज से ये आगे निकले हैं, वाल्मीकि आश्रम में आए। वाल्मीकि जी का आश्रम कानपुर के पास में बिठूर है। बिठूर में आप जाएंगे तो एक स्थान है वाल्मीकि आश्रम और लंबकुश का जन्म स्थान, ये गंगा जी के तट पे ही इस तरफ है, तो बिठूर उसको कहते हैं। और वहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम माना जाता है, ये वाल्मीकि जी के आश्रम में आए हैं और वाल्मीकि ने इनका सत्कार किया। पूछा कहाँ रहें, तो उन्होंने कहा यहाँ से बहुत सुंदर वन, मंदाकिनी नदी बहती है, चित्रकूट आपके रहने के लिए बड़ा उपयोगी स्थान है, आप सीताराम लक्ष्मण वहाँ जाके निवास कीजिए। अब सीताराम लक्ष्मण जब जा रहे हैं चित्रकूट की ओर, तब रास्ते में पैदल जो चल रहे हैं, सीता जी के पांव में एक कांटा लगा, नीचे से तलवे में लगा, ऊपर से निकल आया, राम से सीता धरती के ऊपर गिर गई। राम जी ने उनको गोद में ले लिया है सीते, और लक्ष्मण कांटा निकालने लगा,
उस वक्त भगवान रामचंद्र ने पृथ्वी को बुलाया, बोला हे भूमि देवी, मेरे रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो वो राजा के धर्म का संसार को कैसे पता लगता है। राजा के धर्म में कंटक आते हैं। भरत के रास्ते में कांटा आए तो आने देना, नहीं तो सेवक के धर्म का दुनिया को पता नहीं लगेगा। सीता के रास्ते में भी अगर कांटा आए तो आने देना, क्योंकि पतिव्रता धर्म का पता दुनिया को नहीं लगेगा नहीं तो। परंतु एक मेरी प्रार्थना है, पृथ्वी देवी कभी यहां से इस रास्ते से भरत अगर आए तो वो साधु है, तब कोई कांटा नहीं लगना चाहिए, ये कृपा करना। पृथ्वी कहती है साधु भरत है तो कांटे की उसको क्या परवाह, तो तुम नहीं जानती हो पृथ्वी, अगर भरत को कांटा लगा तो अपने कांटे का दर्द नहीं, उनको ये समझ में आएगा सीताराम लक्ष्मण को कहीं कांटा लगा होगा, ये पीड़ा वो सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए भरत के रास्ते में कोई कंटक नहीं आना चाहिए। ये हम आपको प्रार्थना करते हैं पृथ्वी। रामचंद्र क्योंकि मानव की लीला कर रहे हैं, भगवान अपने आप को नहीं मान रहे हैं, और भगवान इसलिए भी नहीं मान रहे हैं कि रावण ने वरदान में कहा था कि ब्रह्मा जी मानव और वानर के अतिरिक्त और किसी के साथ नहीं मरो, तो भगवान को तो मानव के रूप में ही अपनी लीला करनी है। तो ये रामचंद्र का जो भरत की महानता का वर्णन है, इसके उपरांत रामचंद्र यहां से आगे चलते हैं चित्रकूट के लिए। चित्रकूट में लक्ष्मण को कहते हैं कि कुटिया बनाओ, लक्ष्मण का मुझे आदेश दीजिए कहां बनानी है, मेरे अपने मन से मुझे कुछ नहीं करना है, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो एक बहुत सुंदर पर्ण कुटीर बनाई गई सीताराम के लिए, और लक्ष्मण सामने दूसरे पर्वत के ऊपर अपनी कुटिया बनाई। नीचे मंदाकिनी नदी बहती है, इस पर शिला है, उधर उसके ऊपर सीताराम बैठते हैं। बहुत अच्छा समय सीताराम जी का यहाँ बीत रहा है, बन के यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम भी है, बहुत सुख से यहाँ रह रहे हैं। अब हम वापस चलते हैं। सुमंत्र का रथ बड़े भारी दिल से जब वापस लौट के अयोध्या में प्रवेश हुआ तो सब लोग आशा कर रहे थे कि राम जी नहीं तो सीता कोई तो वापस आया होगा। रथ को खाली देखा, सब मुंह अपना नीचे लटका के घर के अंदर वापस चले गए। सुमंत्र जैसे ही महाराज दशरथ के पास कौशल्या के महल में पहुंचे, सुमंत्र महाराज को प्रणाम किया, कहा सुमंत वापस लेके आए। बोला महाराज सुरंगवेरपुर से वो गंगा पार करके चले गए, वापस तो कोई भी नहीं आया। रामचंद्र ने आपके लिए संदेश दिया है कि सारी माताएं समान भाव से आपकी सेवा में रहें, ये प्रार्थना है, और बहुत 14 साल के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। और सीता कुछ बोली नहीं, केवल रथ की ओर देख रही थी और उदास सी दिख रही थी। लक्ष्मण ने जो कहा है उसके लिए राम जी ने मुझे शपथ दिया है कि मत कहना। दशरथ ने कहा अगर राम जी की शपथ है तो आप मुझे मत बताना, मैं समझता हूं। अब उसने यही कहा होगा कि दशरथ का वध करके मैं राम को सिंहासन पे बिठा देता, अगर ये कहा है तो अब मैं बहुत संतुष्ट हूं कि राम की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण जैसा बेटा साथ है, अब मेरे प्राण निकल जाए तो मुझे चिंता नहीं, ऐसा बेटा अगर है तो हमें कोई इसकी चिंता अब नहीं है। और उसके बाद सुमंत जैसे गया, महाराज दशरथ ने कहा कौशल्या अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम हाथ लगा के तुम स्पर्श करो मेरा। हाथ लगाने का अर्थ यह है कि पुराने जमाने में जब आदमी कोई मरण के हाल में होता ना तो उसको हाथ की नब्ज दिखते थे कि हाथ तक सांस कितना ऊपर गया है, अब नाड़ी पांव की बंद हो गई, अभी हाथ की बंद हो गई है, ये भाव उसका था। कि और उस समय दशरथ ने अपनी जवानी के समय की वो कथा बताई कि मैं शब्द भेणी वेदी बाण चलाने का बहुत बड़ा अभ्यास कर रहा था और कुशल शब्द बाण चलाने में था मैं, और एक समय में नदी के तट के ऊपर शब्द भेदी बाण चलाने के लिए खड़ा था, गंगा में कोई
पानी भरने का, किसी हिरण के पानी पीने के आवाज आया। मैंने जब बेड़ी पार बाण चलाया और चलते ही किसी मानव के रुदन करने का आवाज आया। मैं दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो एक बहुत सुंदर बालक जो ब्राह्मण नहीं था, और उसको मैंने तीर तो लगा, मैं तीर उसके अंदर से निकाला, बालक जीवित था। उसने कहा मेरे माता पिता बूढ़े हैं, दोनों देखते नहीं हैं, मैं उनको तीर्थ करा रहा था, मेरा नाम श्रवण है और उनको पानी चाहिए था, मैं पानी भर के रखा है, आप उन तक पानी पहुंचा दीजिए, अब मेरा प्राण तो यह समाप्त होने वाला है। दशरथ कहते हैं मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने बाण भी निकाला, बच्चे का जीवन बचा नहीं, और मैं जब पानी मटका वहाँ लेगा, मेरे पाँव के चाप को उन्होंने कहा कि आप श्रवण तो नहीं लग रहे हैं। मैंने पानी का सामने रखा, उन्होंने पानी को हाथ नहीं लगाया, बोलो कौन हो, क्या हुआ, क्यों आए हो? और मैंने सच उसको बताया कि मैं शब्द वेदी बाण चलाया था और बाण आपके बालक को लगा, बालक के प्राण निकल गए, मैं महाराज दशरथ हूँ अयोध्या का, आपसे क्षमा मांगता हूँ, मुझसे अपराध हो गया, अब मैं आपकी सब व्यवस्था करने के लिए दायित्व अपने ऊपर जिम्मेवारी लेता हूँ। दोनों ने कहा हम ब्राह्मण तो नहीं है कि जो आपको कोई शराब दे दें, परंतु इतना जरूर कहते हैं कि जैसे पुत्र के वियोग में हमारे प्राण निकल रहे हैं, अब हम जीवित नहीं रह पाएंगे, ऐसे आपको भी पुत्र वियोग में ही प्राण त्यागने पड़ेंगे। और आज कौशल्या उन दो माता पिता का ये वचन मेरे को याद आ रहा है, अब ये प्राण इस शरीर में रह नहीं सकते। जब नंद बाबा कृष्ण और बलराम को मथुरा में छोड़कर खाली बैलगाड़ी लेकर नंदगांव पहुंचे थे तो यशोदा ने कहा था कि आप जीवित कैसे आ गए बिना कृष्ण बलराम के। तब नंद बाबा ने कहा तो पिता तो एक दशरथ था जो राम के ना आने का सुना तो प्राण निकल गए, ऐसा पिता धरती के ऊपर और कोई नहीं हुआ है। जगन्नाथपुरी में ड्रामा एक करा रहे थे तो एक ब्राह्मण को नरसिंह देव का पार्ट दे दिया, नरसिंह भगवान का, और जब वो पार्ट कर रहा था जो हिरणाकश बना हुआ था, जब उसने अपने गोद में बिठाया तो सचपच उसके नाखून से पेट फाड़ दिया। पेट जब फाड़ दिया तो सबने कहा ये तो ड्रामा था, उसको मार दिया, उसका पेट फाड़ दिया। तो किसी ने कहा ये ब्राह्मण ड्रामा करते हुए इसके अंदर आवेश आ गया होगा नरसिंह देव का, बोला नरसिंह देव का आवेश आया है तो अब रामायण का ड्रामा करते हैं, इसको दशरथ बनाओ, और जब राम जी वनवास जाते हैं देखें आवेश आते हैं प्राण निकलता है क्या। और ये जब रामायण का ड्रामा कराया और दशरथ इसको बनाया, जैसे ही समाचार मिला कि राम नहीं वापस आए प्राण निकल गए ब्राह्मण। आवेश जो है वो बहुत बड़ा भारी आवेश जब आ जाता है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सो आज महाराज दशरथ रात को राम, एक शब्द उनके मुख से निकला राम, और उनका शरीर छूट गया। अयोध्या में शोक छा गया, एक नाव के अंदर औषधियां और तेल डाल के महाराज दशरथ के शरीर को उसमें सुरक्षित रखा गया। अब रानियां तो सारी विधवा हो गई, रोदन होने लगा। महाराज वशिष्ठ के ऊपर सारा, गुरुदेव के ऊपर दायित्व था, उन्होंने बहुत तीव्रगामी घोड़ों के ऊपर संदेश वाहकों को कहा तत्काल यहाँ से कैकई देश जाओ, और वहाँ भरत को ये नहीं बताना कि राम जी वनवास गए हैं, ये भी नहीं बताना कि महाराज दशरथ के प्राण निकल गए, इतना ही कहना कि गुरुदेव ने आपको कहा है कि तत्काल जिस स्थिति में उस स्थिति में आ जाओ, जिस हालत में उस हालत में आ जाओ, बस इतना ही कहना। ये भी गुरु भक्ति कितनी बड़ी है। एक भक्त को ये समाचार आया कि गुरु जी ने कहा है जैसी हालत में हो वैसे आओ। वो खाना खा रहा था, उसके हाथ में निवाला था, उसने खाना खाया नहीं, हाथ ऐसे कैसे, और यहाँ से चल के वृंदावन से चला गया जगन्नाथपुरी तक। गुरु जी के सामने गया, बोला मेरा हाथ झूठे, मैं धो के फिर प्रणाम करूं, क्योंकि जैसे आप मैं था वैसे आ गया,
तो जैसे आप हो वैसे आ जाओ। गोपियों को भगवान ने बांसुरी बजाई, जैसे थी वैसे आ गई। तो जैसे हो वैसे भगवान के पास चले जाओ तो भगवान को पसंद आता है, स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे हो वैसे आओ। और वहाँ भरत की तो बड़ी ननिहाल में, भाई नाना ने क्यों तो खादा पे लड़ू तो रोज कूलर करे पे पूरा था, वो तो खुश बैठा था। पर आज भरत को वहाँ बुरे सपने आने लगे, क्या हो रहा है, कुछ तो है, कुछ तो अनिष्ट हो गया है। सपने में कभी गधा दिखता है, कभी तेल पिलाया जाता है दिख रहा है, बड़े विचलित थे। तब तक दास वहाँ पहुँचे, सेवक वहाँ पहुँचे, संदेश दिया कि गुरु वशिष्ठ ने कहा जिस स्थिति में हो इस स्थिति में आ जाओ, तत्काल आपको अयोध्या चलना है। अब सारे ननियाल वाले उनको उपहार धन मन दे रहे हैं, कुछ नहीं भरत ने देखा। शत्रुघ्न और भरत बहुत तीव्र गति से वहाँ से वापस लौटे हैं, और लौटते जैसे अयोध्या में आए तो कोई भरत का मुंह देखने को तैयार नहीं है। भरत तो आते देखे मुंह फेर के अपने घर में चला जाए, न बाजार खुली है, न चौहटे के ऊपर कोई आदमी है। भरत को आश्चर्य लगा कि वो क्या गया, बड़ा अनहोनी जैसी लग रही थी अयोध्या, सूनी पड़ी थी, शोक का वातावरण था। भरत जी ने कहा पिताजी तो कैकेयी के महल में होंगे, और राम जी की प्रायः वहीं मिलते हैं, तो सीधा ही अपनी माता के महल में आता है, अपनी माँ को प्रणाम करता है और पूछता है पिताजी कहाँ हैं। अब ये पूछना भी उचित नहीं लगता है, क्योंकि निश्चित रूप से कैकेयी विधवा वेश में तब बैठी होगी, चार पांच दिन हो गए थे। परंतु कैकेयी ने कहा कि महाराज का प्राण पक्षी उड़ गया, तो बहुत दुख हुआ भरत को, रोने लगे। तो रामचंद्र कहाँ है, अब तो मेरे को पिता नहीं है, तो वही मेरे पिता है, उसके शरण में जाना चाहिए। तब पहली बार कैकेयी ने कहा बेटा ऐसे मैंने दो वचन आपके पिता से मांगे थे, रामचंद्र वनवास चला गया और अब ये राज आपके लिए मैंने दिया है बेटा, आप यहाँ के राजा हो। भरत ने कहा क्या, यही कहा कि आपने मुझे संसार में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, आपका ये अभिलाषा कभी पूरी नहीं होगी कि भरत राजा हो। आपने कुल को कलंक लगाया, मेरे आराध्य राम को यहां से वन भेजने का कार्य किया, अब मुझे आपका मुंह देखने की भी आवश्यकता नहीं। और भरत यहां से दुखी मन से कौशल्या के महल में आए हैं। कौशल्या तो आज चार पांच दिन हो गए, न खाया है न पिया है, राम का वियोग, दशरथ का वियोग, बड़ी दुखी बैठी है। भरत ने प्रणाम किया, माँ ने सर के ऊपर हाथ रखा, लेकिन माँ इतनी व्याकुल थी उनके मुख से निकल गया अब भरत तेरा मनोरथ पूरा हुआ ना, अब तो तुमको राज तिलक मिल गया ना। ये सुनते ही भरत को इतना दुख हुआ, और भरत ने 101 शब्द खाए, माता मैं शब्द खा के कहता हूं कि इस सारे षड्यंत्र का मुझे कुछ पता नहीं है। इतने शब्द हैं वाल्मीकि रामायण में लिखे हुए, उसने कहा कि ब्राह्मण हत्या का मुझे दोष लगे, अगर मैंने ये कार्य किया हो, अपराधी जैसे नीच कोई व्यक्ति हो उससे ज्यादा मेरे को नीच बनना पड़े, मैंने ये कहा हो। ये सुन के माता कौशल्या को धीरज आया, गले लगा कहा बेटा मैं थोड़ी पुत्र के वियोग और आप पति के वियोग में बहुत ही दुखी थी, इसलिए मेरे मुख से ऐसे निकल गया, और अब ऐसे करो कि आप तत्काल पहले अपने पिता का अंत्येष्टि की क्रिया कर लो। तो महाराज दशरथ के पार्थ शरीर को बाहर लाया गया, गुरुजनों के संग उनका अंत्येष्टि क्रिया पूरा भरत के द्वारा हुआ। फिर बहुत बड़ी सभा जुटी, माता जी ने कहा, पहले तो मंत्री ने कहा महाराज दशरथ का ये आदेश है कि महाराज भरत अब आपका राज अभिषेक होगा और आप यहाँ राज
गद्दी के ऊपर विराजमान हूं। फिर माताओं ने कहा कि बेटा, राजा बिना राज के तो नहीं हो सकता, आपके पिता ने आपको राज दिया है तो आप राज गद्दी के ऊपर बैठे। फिर गुरु वशिष्ठ ने कहा कि बेटा, आपके राज अभिषेक के सारी सामग्री पहले से तैयार पड़ी, अब विलंब करना ठीक नहीं है, बिना राजा के तो अराजकता फैल जाएगी। भरत ने उठ के कहा, आज तक इक्ष्वाकु वंश में ऐसे हुआ है कि बड़े बेटे के होते हुए छोटा कभी राज पे बैठा हो? क्या आप चाहती हैं कि लोग कहें कि पिता मरे तो मरने दो, माताएं विधवा हो तो होने दो, भाई वन में जाए तो जाने दो, मां समान बाभी वन के कांटे खाए तो खाने दो, मुझे राज करने दो, तो लोग कहेंगे ऐसा राजा भरत था। भरत के राज के कारण महाराज दशरथ के प्राण निकले, उसी के कारण माताएं विधवा हुई, उसी के लिए राम को वनवास। मैं किस के? और गुरु को कहने लगे, पहली बार माताओं की बात नहीं मानी, मंत्रियों की बात नहीं मानी, गुरु को के कह दिया वशिष्ठ को, गुरु जी लगता है मेरे पाप इतने भारी हो गए हैं कि आप भी मुझे राजा बनने की आज्ञा दे रहे हैं, इस आज्ञा का मैं उल्लंघन कैसे कर सकता हूं? परंतु आप एक बात याद रखो, मैं अगर राज सिंहासन के ऊपर बैठ गया तो 14 साल के बाद राम वापस नहीं आएंगे, उस सिंहासन के ऊपर राम नहीं बैठ सकते जिसके ऊपर कोई और बैठा हुआ हो, इसलिए आप सबका ये मत मुझे सुकृत नहीं है। मैं आज भरत वचन करता हूं कि मैं यहां से जाके वापस राम को मना के लाके राज अभिषेक करूंगा, अगर वन में जाना हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन राम को वापस राज गद्दी के ऊपर बिठाऊ। ये जब बात सुनी सारी प्रजा को कहा के, भरत के मन में तो कोई द्वेष नहीं था, दोष नहीं था, ये तो राम का प्रिय भक्त है, और ये सुनते ही अब कोई कुछ नहीं कह सका, और ऐसी बातें भरत की अपने भाई के प्रति कि मैं राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, ये बहुत बड़ी शिक्षा है। दुनिया के अंदर लोगों ने भाइयों को मारा है राज के लिए, पिता को बंदी बनाया है, लेकिन ये उदाहरण ऐसा है कि भरत राजगद्दी के ऊपर बैठने को तैयार नहीं है, भाई का हक है तो भाई का उसको मिलना चाहिए। और दूसरे दिन भरत ने सारे वन प्रदेश के रास्तों को जानने वालों को बुलाया कि रास्ते तैयार कराओ बन के, हम तत्काल जहां भी रामचंद्र है उससे मिलेंगे, उसको मनाएंगे और उसको वापस यहां लाएंगे, अब और कोई दूसरा हमारे लिए विकल्प नहीं है। अब तो सारी प्रजा भरत की ओर इतनी आकर्षित हो गई कि भरत के कारण हमारे को राम जी का दर्शन हो जाएगा, अब इतने 14 साल के बजाय अब बहुत जल्दी हमको पुनः राम जी का दर्शन हो जाएगा। अब 2-4 दिन में इंजीनियरिंग ने रास्ते बनाने शुरू कर दिए, और अब माताएं 3, गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण, ये पूरी सेना अयोध्या की, चंद्रमणि, अयोध्या का रथ, महाराज का ऊपर ध्वज, ये सारा यात्रा यहाँ से निकली है, और ये यात्रा अब आगे जैसे चल रही है राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। श्रृंगेरपुर के निकट जब पहुँचती है तो दूर से इतने घोड़ों के टापों को सुनकर श्रृंगेरपुर के गुहांग ने दूर से देखा कि ये तो अयोध्या का ध्वज है, अयोध्या का ध्वज है, ऐसे तो नहीं है कि कहीं भरत राम को रास्ते से हटाने के लिए उसको मारने के लिए जाता हो। मित्र होता है ना, उसको शंका होती है अनिष्ट की, और एकदम गुहा निष्ठाराज गुहा ने अपने सारे संबंधियों को बुलाया, प्रजा को बुलाया, बोला जितनी नाव गंगा के किनारे है सब पानी में डुबा दो, यहां से कोई भी गंगा पार नहीं कर पाएगा अगर उनके मन में रामचंद्र के विपरीत विचार होगा तो, सब अपने अस्त्र शस्त्र उठाओ, यहां छुप के बैठ जाओ, मेरे इशारे का इंतजार करना, अगर भरत के मन में राम के विपरीत विचार हुआ
तो हमारे सबों के ऊपर से गुजर के उनको गंगा पार करनी पड़ेगी, नहीं तो राम जी के पास किसी को पहुंचने नहीं देंगे। गुहा राज निषाद ने कहा अब मर्यादा में कुछ फल के टोकरे लाओ, दो चार अपने सेवकों को लेकर, और भरत को के मन के भाव को जानने के लिए आगे बढ़ा। और जैसे दूर से निषाद राज गुहे को आते हुए देखा तो सुमंत जो रथ के ऊपर भरत के साथ बैठे थे, उसने कहा ये गुहा, इसको भगवान रामचंद्र ने गले लगा के अपना मित्र कहा था। ये सुनते ही भरत एकदम रथ से कूदे और सीधे जाके गुहा राज को नमस्कार करके गले मिले। कहा आप राम के मित्र हैं तो हमारे लिए पूजनीय है। उसने कहा ये उपहार हम आपके लिए लाए हैं, ये हमारा राज है, लेकिन फिर भी राजनीति ये है कि हम आपसे सीधा पूछने चाहते हैं, ये सारी सेना ये सब लेके आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या आपका उद्देश्य है? ये सुनते ही भरत ने कहा सुनो निषाद, हम राम जी को मना के वापस अयोध्या लाना चाहते हैं, उन्हीं का राज तिलक करना चाहते हैं, ये सब उसको मनाने के लिए जा रहे हैं। अब निषाद राज जोहा को विश्वास हो गया कि ये राम के शत्रु नहीं है, तब उन्होंने इशारा किया कि लड़ाई की जरूरत नहीं है। और यहाँ से जैसे भरत वहाँ पहुँचे हैं, निषाद राज के वहाँ रात को रुके हैं, तब निषाद राज ने वो जगह दिखाई जहाँ रात को सीताराम सोए थे। अब भरत उसको देखता है, वो धागे दो तीन सीता जी के वस्त्रों के वहाँ देखे हैं तो आंखों में आंसू आ गए थे। इतने सुखपूर्वक महलों में रहने वाले सीताराम को यहाँ कैसे घास के ऊपर सोना पड़ा, ये तो एक रात की बात है, आगे 14 साल इनको ऐसे संकट में डालने का कितना बड़ा एक अपराध का कार्य मेरी माँ ने किया है, मैं कलंकित हो गया हूँ। और फिर निषाद राज ने कहा कि मुझे तो यहाँ रामचंद्र ने वट वृक्ष का दूध मंगा के जटाजूट बांधने के लिए कहा था। ये सुनते ही भरत ने कहा फिर हमारे लिए भी जटाजूट के लिए दूध लेके आओ, अगर राम जी यहाँ से पैदल गए हैं और जटाएं बांधी हैं तो हमको भी जटाएं अपनी बनानी है। और जटाएं बना के लक्ष्मण और अपने भरत और शत्रुघ्न ने अब यहाँ से दूसरे दिन जब निकलते हैं तो भरत रथ के ऊपर चढ़ने को तैयार नहीं है, भरत पीछे पैदल जैसे राम जी गए हैं ऐसे पैदल जा रहे हैं। और यहाँ से दूसरी तरफ जब भरद्वाज ऋषि के आश्रम में इतनी बड़ी सेना के साथ पहुँचे हैं तो ऋषि ने इतना बड़ा आदर सत्कार किया सबके लिए, ऐसा लिखा है कि इतना खाने पीने का रहने की व्यवस्था की और आनंद में मगन होके बहुत से तो खा पी के मूर्छित होके सो गए, मात्र लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न तीन माताएं और गुरु वशिष्ठ आदि ये सिर्फ सचेत रहे, बाकी तो जैसे खा के नींद में सो गए, इतनी देर चल के आए थे। और भरद्वाज ने, हमने आपको कल बताया था, भरद्वाज ने इस वक्त कहा कि सत्य तो ये है कि धरती के ऊपर सूर्य वंश में महाराज भगीरथ महान है जो गंगा को धरती पे लाया और सबके लिए उद्धार का मार्ग बता दिया, लेकिन भागीरथ से महान महाराज दशरथ है जो साक्षात भगवान रामचंद्र को धरती के ऊपर लाए हैं, तो उससे भी महान रामचंद्र हुए। और आज मैंने जितना तप किया जप किया जितने व्रत किए उनका फल ये हुआ कि सीताराम लक्ष्मण का मुझे दर्शन हो गया। लेकिन भगवान के दर्शन का लाभ आज ये है कि मुझे भागवत पुरुष व्रत का दर्शन हो गया, इतने महान व्रत का आज दर्शन हो गया है मुझे। भरद्वाज ने कहते जितनी सेवा भरत की इतनी राम लक्ष्मण की नहीं की थी, भरत का बड़ा आदर किया रात को, बाकी सब तो इसका अर्थ ये है कि लोग सब कहते हैं कि हम भगवान को चाहते हैं लेकिन सब खा पी के सो जाते हैं, जागते वो हैं जिसके हृदय में विरह उठाए भगवान से मिलने के लिए, जिसके हृदय में विरह की पीड़ा है जुदाई की पीड़ा है कि कब मिलेंगे, बहु जन्म बिछड़े थे माधव ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये मुझे चमार था रईदास वो कृष्ण की पूजा करता था
पानी उसका वही था जहाँ से जूते पुराने बनाता था। तो ब्राह्मण ने शिकायत की कि ये तो पूजा ठीक नहीं कर रहा है। राजा ने कहा कि अब क्या करना चाहिए। सविता से पूछा तुम क्या कर। बोला ऐसा करो, सबको बोलो ये तालाब में अपने ठाकुरों को भेज दे, पूजा करते हैं, फिर प्रार्थना करके बुलाए, जिसका ठाकुर बाहर आएगा उसके ठाकुर खुश है। अब सबके ठाकुर जब अंदर डाल दिए, अब सब कहते हैं आ जाओ मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। तब रविदास ने कहा बहु जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके भगवान तुमसे बिछड़े को बहुत जन्म हो गए, अब तो दर्शन दो। तो रविदास के ठाकुर चल के बाहर आ गए। तो जिसके हृदय में पीड़ा नहीं है, भगवान से मिलने के लिए जो आंसू नहीं बहते हैं और वेदना नहीं है कि भगवान कब मिलेंगे, भगवान कब मिलेंगे, शबरी का वह प्रसंग जब आएगा तब देखेंगे। सालों तक रोज झाड़ू निकालती थी, रोज रास्ता साफ करती थी, रोज फल गिन के रखती थी, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि राम जी आएंगे तो राम जी आएंगे, इतना विश्वास था। वो सालों तक ये सेवा कर रही थी और एक दिन भगवान की कृपा से उसका दर्शन भी हो गया, उसका जन्म भी सफल हो गया। तो जब तक भगवान को पाने के लिए उत्कंठा नहीं है, इसको दूसरे भाषा में कहते हैं जब तक हम कंफर्ट जोन में हैं तब तक भगवान की प्राप्ति के लिए कोई हमारी तैयारी नहीं है। तैयारी के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे सुख शांति से ठीक है खा पी रहे मौज करेंगे, भगवान मिल जाएगा, अपने आप नहीं मिलेगा। भगवान कृपा उसके ऊपर करते हैं जिसके हृदय में तड़प। एक बार श्री कृष्ण भगवान भोजन कर रहे थे द्वारका में, थाली रुक्मणी सामने लाई, हाथ में गिलास लिया, खाया नहीं तो रुक्मणी ने कहा क्यों क्या हो गया। बोला एक भक्त बहुत बड़े संकट में। बोला फिर दारू बोलाओ, अपने रथ के ऊपर जाओ। बोला रथ पहुंच नहीं पाएगा, बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। बोला फिर गरुड़ को बुलाओ, गरुड़ को तो तत्काल पहुंचा देगा। बोला गरुड़ के पहुंचने में भी देर हो जाएगी। तो एक दो सेकंड गुजरे, भगवान ने खाना शुरू कर दिया। बोला फिर संकट में कैसे भक्त के पास पहुंच के उसके दुख का निवारण किया। भगवान ने कहा भक्त के आंखों से जैसे आंसू गिरे, ये आंसू सबसे ज्यादा तीव्र व्हीकल है जिससे भगवान भक्त के पास पहुंचते। ये जो प्रेम के आंसू भगवान के है ना, मीरा को हर आंसू में कृष्ण बांसुरी बजाता हुआ दिखता था। तो ये जो आंखों से दो आंसू भगवान के प्रेम में बह जाए, वैसे कहते हैं कि ये जो करुणा रस है, जो यहाँ ये भक्त की भावनाएं आप सुन रहे हैं, ये करुणा रस हमारे हृदय में कई जन्मों के कुछ मान्यताएं बनी हुई है, कुछ संस्कार बने हुए हैं, उसको हम छोड़ नहीं सकते, वो ऐसे अंदर जम गए हैं। इसलिए ऐसे कथाओं के अंदर ऐसा करुण रस होना चाहिए जिसमें हृदय पिघल जाए और पुरानी मान्यताएं जो हमारे अंदर हैं वो सारी पिघल जाएं, और भगवान जिसकी कथा सुन रहे हैं जिसके कारण करुणा है वो हमारे हृदय में आके बैठ जाए। ये वास्तव में कथा का मुख्य उद्देश्य है कि हृदय हमारा पिघल जाना चाहिए। हृदय को पिघलाना, कई मूर्तियां हमारे हृदय में बनी हुई है। जैसे हमने कभी आपको सुनाया होगा, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो माता पिता से इतना प्रेम करते हैं, वो एक लॉकेट बनाते हैं, वो दिल की शक्ल का होता है, एक तरफ माता एक तरफ पिता, पिता को लटका देते हैं। 18 साल तक तो वो जलता है, उसके बाद वो अंदर से निकालते हैं, जिससे प्रेम करते हैं वो पत्नी को एक तरफ अपने आप को लटका देते हैं। और 10-5-10 साल के बाद बच्चे होते हैं तब तो पत्नी को भी बाहर निकाल के बच्चों को लटका देते हैं। और जब बच्चे बड़े होते हैं और लात मार के जाते हैं तब फिर भगवान श्री राम का फोटो लगाते हैं। अब ये छोड़ने वाला नहीं है, ये तो रहेगा, ये कहाँ जाएगा। तो भगवान हंसता है कि मैं पहले से असली दिल में बैठा हूँ, तुम बाहर के नकली फोटो क्यों लगा रहे हो। तो ये हमारे दिल में बहुत सारे संसार के इतने आकृतियां बनी हुई हैं, इतने आस्थाएं बनी हुई हैं, इतने विचार बने हुए हैं कि उसके अंदर भगवान की लिए जगह भी नहीं है। इसलिए कथा के अंदर अगर आंखों से दो आंसू गिर जाए भगवान की किसी लीला सुनकर, तो इसका मतलब हृदय थोड़ा पिघल रहा है। नहीं तो पत्थर का पाषाण का हृदय हमारा स्टील का बना हुआ है, जब तक ये पिघलेगा नहीं, हृदय द्रवित नहीं होगा,
असल में भक्ति की सफलता है हृदय का द्रवित होना, कोमल हृदय। इसलिए गोपियों को कहते हैं कृष्ण मक्खन नहीं चुराते थे, वो दिल चुराते थे जो मक्खन जैसा नरम हो जाए। जब हमारा दिल मक्खन जैसा नरम होगा तब भगवान आके अपने आप को उसको चुरा के उसके अंदर बैठ जाएंगे। अभी हमारे हृदय के अंदर द्रवित होने के लिए कोई भाव नहीं है, इसलिए कहते वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सारे ही तीन माता वशिष्ठ जी और कुछ ब्राह्मणों और भरत शत्रुघ्न को छोड़ के सभी खा पी के मौज में सो गए थे। इनको तो खाना याद भी नहीं था, इन्होंने खाया भी नहीं था आज तक, पानी तक नहीं पिया था, पी तो व्योग था। और जब तक हृदय के अंदर भगवान की जुदाई का भाव जागृत नहीं हो सकता है तब तक बहुत कठिन है ये जो है भगवान को प्राप्त करने की भावना। ये चित्रकूट में पूछेंगे लक्ष्मण के आपको भगवान कैसे पाया जाए, तब रामचंद्र कहते हैं मम गुण गावत पुलक शरीर नयन बहे नीरा। जब मेरा गुण गाते किसी का शरीर पुलकित तो आंखों से आंसू बहे, छल कपट जो न करे उसको मैं तो तत्काल यही मिल जाता हूँ, उसको मिलने के लिए कोई देर नहीं है मुझ में। सो भरत जी अब दूसरे दिन जब यहाँ से रवाना होंगे, रवाना यहाँ से होने से पहले भरत जी ने त्रिवेणी संगम के ऊपर जाके कहा गंगा जी आपको तो सूर्य वंशियों ने धरती के ऊपर उतारा है, इसलिए हम आपके पुत्र हुए, आप हमारी माता हो। जमुना आप तो सूर्य पुत्री हो, सूर्य हमारा इष्ट देव है, और सरस्वती आप भी तो वशिष्ठ नंदनी हो, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय को मांगना धर्म नहीं है, और आप सब हमारी कन्याएं हैं, आपको देना चाहिए, लेकिन आज मैं व्रत आपसे मांग रहा हूं, आपसे ये मैं मांग रहा हूं, मुझे अब इस बात का भी दुख नहीं है कि पिताजी का शरीर छूट गया, जिसके आज्ञाकारी पुत्र राम लक्ष्मण जैसे हों उनके पिता की कीर्ति सदा इस संसार में जीवित रहेगी, वो रहे न रहे, माताएं विधवा हो या इसके भी मुझे दुख नहीं है, ये संसार करने में जो आया हो जाएगा, मेरे ऊपर कलंक लगा है इसका भी मुझे दुख नहीं है, परंतु आप तीनों ये कृपा करना कि राम जी मुझे कहीं त्याग न दे, मेरे इस कृत्य के कारण, मेरे राज तिलक के लिए मेरी मां ने जो उनको वनवास दिया है इसके कारण कहीं मुझे त्याग न दे, और मैं रामचंद्र के दुख का सहन कर नहीं पाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं उनको मना के वापस ला सकूं। त्रिवेणी संगम पे प्रार्थना करके भरत जी जब यहाँ आगे चलते हैं तो कहते हैं कि आकाश में बादल थे, धरती के ऊपर जैसे किसी ने पुष्पों का सैया बना के रखी है, कहीं भरत को न गर्मी का पता लगा न कोई चोट लगी, क्योंकि रामचंद्र ने धरती को पहले ही कह दिया था कि भरत यहाँ से कभी आए तो उसके रास्ते में कांटे नहीं होने चाहिए। अब हमारा आज का समय मैं समझता हूँ पूर्णावती पे पहुँच रहा है, कल भरत मिलन होगा, चित्रकूट में जहाँ राम और भरत का मिलन हुआ है वहाँ दोनों जब एक दूसरे से गले मिले हैं ना तो वहाँ के पत्थर पिघल गए हैं, पत्थरों के अंदर आज भी दोनों भाइयों के चरणों के चिन्ह पड़े हैं, उसको सुरक्षित करके स्मारक बना के रखा हुआ है कि दोनों के भरत और राम के मिलन से आगे की कथा का कल श्रवण करेंगे। आज जय श्री राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, रघुपति राघव राजा।